हम भी आना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा देखो सब पात्र तो पूर्ण हो गए, अब तो आप किसी और रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। हे नाथ कुछ ही बना दो, मोर हूं बनइयो तो बनइयो उस वृंदावन को, के कूंक कूंक प्रभु जी हम तुमको रिझावेंगे, और मरकट बनइयो सो बनइयो मोहे वृंदावन को, हम कूद कूद हरि जी तुमको हसावेंगे। भवरा बनइयो तो बनइयो न मालन को, हम बैठ बैठ माला पे दर्शन पावेंगे, और जो भी बनइयो सो बनइयो मोहे वृंदावन को, हर पल हर घड़ी हम तुमको रिझावेंगे। जो भी बनाना पर का बनाना, वृंदावन का बनाना। भगवान ने कहा जब तुम्हारी इतनी इच्छा बलवती है तो एक कार्य करो, और कार्य क्या कि आप पर्वत बन जाओ। कहा रे महाराज हमें पर्वत बनाए दोगे? हाँ। कहा तो हमारी लीला के मुख्य पात्र रहोगे, और तुम्हारे शीश पर श्री किशोरी जी अपने चरण कमल पधरावेंगी। तो आज भी जो बरसाने का पर्वत है उस पर्वत का नाम है ब्रह्मांचल, और वह पर्वत कोई और नहीं, वो साक्षात श्री ब्रह्मा जी हैं। शंकर जी ने भी निवेदन करा तो शंकर जी को भी पर्वत के ही रूप में विराजा गया ब्रज लीला में। तो ये जो नंदगांव वाला पर्वत है जिस पर नंद महल विराजा है, जिसका नाम है नंदिकेश्वर, वो शंकर जी का रूप है। और भगवान ने कहा देखो जब सब विराजी गए तो इनके मन में ये ना आवे। अब जब व्यक्ति कुछ संघ में चले तो उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमारे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अब वो हमें तो कह देते तुम्हारा टिकट वहां का करा देंगे, हवाई जहाज का फैलाने का जुटा। अब जो हमारे साथी हैं उनके लिए वो हमें नहीं भर पाते। तो अब हमारे भी मन में ये आता कि इनके मन में ये ना आ जाए कि ये तो खुद तो जाग में चढ़ के चढ़े गए, पर हमें यही रेल में भेजती हो। तो फिर तो उसी के अनुरूप जीवन को जीना पड़ता है कि उनके मन में भेद ना आ जाए। ऐसी ही श्रीहरि के भी मन में विचार आया कि जब ये दोनों पर्वत बन गए तो मैं भी पर्वत के रूप में ही विराजूंगा। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है ये कोई और नहीं है, ये साक्षात श्री हरि ही विराजमान है। और देखो भाई, लोग तो कहते हैं कि मिथ्याएं बातें हैं, झूठी बातें हैं। पंजाब की एक स्त्री श्री किशोरी जी को बहुत मानती थी, हर महीने श्री बरसानों जाना, दर्शन पाना, किशोर जी की मंगला करना, भोग देना, हर पल महल में बैठे रहना, दर्शन करना, एक ही प्रार्थना करती, मरना हो तो मैं तो मन में आया मेरी तो बड़ी अगाध श्रद्धा है, तो मैं किशोरी जी को तो ले नहीं जा सकती अपने घर, पर हाँ जिस पर्वत पर किशोरी जी विराजी है इसका एक भाग ले जाओ, जरा सा पत्थर ले दो। तो पहाड़ का भाग ले गई जरा सा पंजाब की नारी, पर जिस दिन से ले गई, पहले व्यापार बहुत बढ़िया था, खूब अच्छी स्थिति थी घर की, धीरे धीरे व्यापार ठप हो गया, बच्चे बीमार पड़ गए, खाने तक की व्यवस्थाएं भंग हो गई। तो इन्होंने प्रार्थना करी, ये प्यारी जी ऐसी कौन सी गलती है गई, ऐसो कौन सो अपराध है गए मुझसे जो आप इतनी कुपित है गई, मेरे बालकन की नौकरी छूट गई, खान तो हम तरस गए, बीमार पड़ गए, बीमारी आ गई शरीर में, क्या करें। जब प्रार्थना करी
तो रात को ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दे दिया और उस स्त्री से कहा, किशोरी जी तुम पर कुपित नहीं है, हम तो किशोरी जी की आज्ञा से तुम्हारे स्वप्न में प्रकट होकर तुम्हें संदेश देने आए हैं। क्या संदेश? तुम हमें उठा करके अपने घर ले आई, तुम्हें पता है हमने ब्रजलीला को प्राप्त करने के लिए कितना तप किया, हमने 10,000 बरस का तप किया, तब जाकर हम पर्वत के रूप में विराजे और तुम हमारा भाग उठाकर घर ले आई, ना तुम्हें हमारे भोग का ज्ञान है ना सेवा का ज्ञान है। यदि अपना कुशल चाहती हो, अपने परिवार की मंगल कामना चाहती हो, तो एक कार्य करो, वह क्या कि जहां से हमारा भाग लाई हो पर्वत खंड का, वहीं जाकर करो। तब वह स्त्री जाकर उस पर्वत के भाग को रख कर आई और फिर दोबारा उनका कार्य क्या संतान क्या सब पक्ष ठीक हुआ। तो ये बात ग्रंथों में भी प्रकट है कि किसी भी तीर्थ पर जाओ, वहां का कोई पत्थर टुकड़ा नहीं उठा उठा कर लाना चाहिए। हम लोगों में बहुत आदत है, हम किसी भी नदी में चले जाते, किसी धाम तीर्थ में चले जाते, मई के कंकड़ बजरियां क्या पत्थर क्या उठा उठा धर देते, लोगों के घर में बहुत बहुत रहते हैं, तो किसी भी स्थान का कोई पत्थर नहीं लाना चाहिए। हम क्या जाने वहां की महिमा क्या है, उनकी सेवा कैसे होती है। केवल 2 स्थान का ही पत्थर शिला लाई जा सकती है, एक तो श्री नर्मदा जी के भगवान नर्मदेश्वर और दूसरे गंडकी नदी के भगवान शालिग्राम। इसके अलावा घर में किसी और अन्य शिलाओं को नहीं रखना चाहिए। पर हम लोग देखा देखी में क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो पता है कोमती का भी पत्थर है, हमारे यहाँ कावेरी का भी पत्थर है, हमारे यहाँ फलानी नदी का भी पत्थर है, हम वहां गए थे वहां का भी पत्थर ले आए, तो हम तो सारी जगह का पत्थर ला ला के धर लेते। अब एक स्थान का पत्थर उठाने पर 1,000 गौ मारने का पाप व्यक्ति को लग जाता। तो इसलिए देखा देखी में कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि जिसे हम पाप के अधिकारी हो जाए, कहीं का पत्थर ना। और गोवर्धन नाथ का तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। जब ये पहला कोरोना काल आया, इसमें कुछ लोगों ने क्या करा, कोरियर के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं बनाई फेसबुक पर और पेज के माध्यम से लोगों को सूचित करा, किसी को गोवर्धन शिला चाहिए तो घर बैठे मंगवा में, अमुक पता है अमुक शिला का इतना द्रव्य है, हमारे इस नंबर पर भेज दो, हम भरी भिजवा देंगे। अब संपूर्ण शास्त्र में यह लिखा है कि गोवर्धन का एक भी अंश बाहर नहीं जाता ब्रजमंडल से, पर लोगों की तो मति खराब है, आधे तो ब्रजवासी भी गलती कर देते अपने केवल गुणपूर्ति के लिए। भाई गोवर्धन पर्वत पर तो कभी पैर भी नहीं रखना चाहिए, यहां तक लिखा है, वो तो प्रत्यक्ष देवता है, और उन्हें कोई पहाड़ कह दे ना, यदि कोई सच्चे वैष्णव है वो मार्ग को चल जाए, दिमाग खराब, पहाड़ कहेगा ही नहीं, ये साक्षात भगवान है। तो गोवर्धन कोई पर्वत भी नहीं है, वो साक्षात क्या है, श्री ठाकुर जी है। पर कुछ लोग कहते थे कि जब 2000 आवेगा तो दुनिया का नाश हो जाएगा, किसी ने कहा 2000 जब 10 आएगा तब दुनिया नष्ट हो जाएगी, किसी ने कहा फिर 2012 आएगा तब नष्ट हो जाएगी। पर यह एक बात बिल्कुल पक्की है, जब तक इस धरा पर भगवान गोवर्धन जी विराज रहे हैं तब तक तो भारतवर्ष का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पर जिस दिन गोवर्धन जी धीरे धीरे लुप्त हो गए, फिर इसका बचना भारी हो जाएगा। अब आधी जो परिक्रमा है
उसमें तो बिल्कुल ही लुप्त हो गए। जो राधा कुंड वाली परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा, उसमें तो दिखाई नहीं देते, क्योंकि रोज तिल तिल घट रहे हैं। गोवर्धन नाथ श्राप दिया था पुलस्त्य नाम के ऋषि ने, पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दिया था। शंकर जी के बड़े भारी उपासक थे, सोचने लगे महादेव को क्या दे दूं, कोई वस्त्र दूं, आभूषण दूं, क्या दूं, ऐसी कौन सी वस्तु दे दूं जिससे भोलेनाथ जीत जाए। फिर मन में आया भगवान तो कुछ धारण ही नहीं करते, माला तो माला पहनते थे, मुंडन को माला धारण करें, वस्त्र तो वस्त्र के नाम पर भगवान बागंबर आदि धारण करते हैं, घर है नहीं, घर की कोई वस्तु दे दे, वाहन दे दे कोई, तो नंदी के सिवा किसी वस्तु विशेष पर चढ़ते नहीं। फिर मन में आया कैलाश पर्वत दे देंगे, पर कैलाश पर तो रहते नहीं, पर कैलाश के समान कोई हो, उससे भी अच्छा हो, वो देंगे। तो ढूंढ करी थी, तभी ने गोवर्धन नाथ दिखाई दिए, ये स्वर्ण के समान जिनकी शोभा बताई जाती। और जो ही गोवर्धन दिखाई दिए, गोवर्धन जी को देख कर कहा, हे राजन, हम आपको महादेव को समर्पित करना चाहते हैं, आप चलो। पर गोवर्धन जी ने कहा, हम चल तो देंगे, पर यदि आपने हमें कहीं रख दिया फिर हम उठने वाले नहीं है। तो जब चलने लगे थे तो एक तीर्थ आया, तो इनके मन में स्नान कर लूं, तो ये भूल गए मुझे क्या करना था, बस सीधे गोवर्धन जी को धर दिया नीचे और स्नान करने के निमित्त चले गए। तो जो ही जब स्नान आदि से युक्त हो गए, परिधान धारण कर लिए, अब गोवर्धन जी से भी उठो, गोवर्धन जी ने कि बाबा हमने तो आपको पहले कह दी थी कि आप यदि हमें कहीं विराज दोगे फिर हम उठने वाले नहीं है, फिर आप इतना ही बल प्रयोग कर लेना। अरे ढीठ हो गया, हटी हो गया, हमारी बात नहीं मानता, हमारी बात नहीं मानता, तो जाओ, हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम तिल तिल घटोगे। तब पुलस्त्य ऋषि ने श्री गोवर्धन नाथ जी को श्राप दिया। और फिर त्रेता युग आया, भगवती सीता जी का हरण हुआ, राम जी पहुंचे समुद्र तट पर, विचार करने लगे पार कैसे करेंगे भाई, तो समुद्र पर सेतु निर्माण हो, तो नल और नील कपी दो भाई, ये उस समय के बड़े भारी इंजीनियर, इन्होंने पत्थरों के द्वारा ऐसा निर्माण शुरू करा, तो पर पत्थर कम पड़ गए। रामभद्र ने आजा करी, जाओ बानर भालू, जहां भी तुम्हें पत्थर पाषाण दिखाई दे वहीं से ले आओ। तब हनुमान जी महाराज इस उत्तराखंड की ओर आए थे, तो यहीं पर्वत श्री गोवर्धन नाथ जी का दर्शन हुआ। तो जैसे ही गोवर्धन जी का दर्शन हुआ, तब हनुमान जी महाराज उन्होंने कहा उनसे, चलो भगवत सेवा में, पहली बार भी चले थे बीच में रह गए, अब आप कह रहे हो चलो। तो हनुमान जी लेकर चले ही थे, यहाँ ब्रजमंडल तक पहुंचे थे, तभी राम जी की आज्ञा हो गई, यहाँ सेतु का निर्माण पूर्ण हो गया, अब ये जितने बानर भालू है ये उन पत्थरों को वहीं विराज दे जहां जहां भी जिस स्थिति में हो। तब श्री हनुमान जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी को ब्रजमंडल में तार दिया, और जो ही ब्रजमंडल में तारा, गोवर्धन जी तो रोने लगे। पहली बार शंकर जी की सेवा में गए, तब सेवा में नहीं जा पाए, आज राम जी की सेवा में जा रहे थे, राम जी की सेवा में नहीं जा पाए। क्या हम इतने ही अभागे हैं कि हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे? हनुमान जी ने कहा, दुखी मत हो, ऐसा मंगलमय समय आएगा कि भगवान स्वयं तुम्हें अपने शीश पर धारण करेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे, पर तुम यहाँ बैठे बैठे प्रतीक्षा करो बस उनकी। तब से गोवर्धन नाथ यहीं बैठे थे और प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान आवे और कब हमें उनका मंगलमय सुंदर दर्शन।
नारायण। भगवान रात्रि में तो गोवर्धन जी में रहते हैं और दिन में चले जाते हैं श्रीनाथ जी में, जो नाथ द्वारा है ना उदयपुर के पास, वहां एक स्थान है नाथ द्वारा जहां ठाकुर श्रीनाथ जी हैं इस समय। तो भगवान रात्रि में श्री गोवर्धन जी में वास करते, जैसे राम जी के लिए कहावत है, राम जी दिन में तो रहते हैं और छा में, झांसी सुना झांसी, झांसी के ही झांसी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है ओरछा, जो इस कलयुग की अयोध्या नगरी है समझ लो बस। वहां राम भगवान का बड़ा ही मंगलमय स्थान है, जहां पर भगवान को राम राजा सरकार कहा जाता है। इस संसार में दो मंदिर ऐसे हैं जहां भगवान को सलामी दी जाती है, सलामी दी जाती है। एक तो श्री महाकाल और दूसरे ओरछा के भगवान राम राजा सरकार। सुबह की आरती हो तो जितना अधिकारी वर्ग है तो सब राम जी के सामने सिर झुकाकर वो बंदूकों की जो जो विधियां होती हैं उनकी उस विधियों को पूर्ण करते हैं। फिर मन ध्यान राजभोग की जब आरती हो उस समय, रात्रि की आरती हो उस समय, बड़ा सुंदर स्थान। इसी मध्य प्रदेश में इसी ओरछा, जिस ओरछा की हम बात कह रहे हैं, यहां भगवान की इस कलयुग में एक परम भक्ता हुई जिनका नाम था श्री गणेश कुबरी जी, परम भक्त हुई भगवान। अब ये तो कन्हैया की उपासिका और इनके पति जो मधुकर साहब हुए ये भगवान राम जी के उपासक। अब नारायण, ये जो गणेश कुबरी जी हैं ये तो राम जी की उपासिका हैं और ये जो इनके पति मधुकर साहा हैं ये राम जी के उपासक हैं। तो इस प्रकार दोनों में भाव जगने लगा, दोनों में जो भाव जगा, एक कहने लगा अयोध्या चलो, एक कहने लगा वृंदावन चलो। तो गणेश कुबरी जी के मन में आया, हम तो अपने श्री रघुनाथ जी के दर्शन पूजा में थी, हमारे तो मन में बड़ी इच्छा है। तो जैसे ही मन में इच्छा जगी तो इनों राम राम राधे नारायण, इनके मन में इच्छा जगी कि हम भगवान के लिए बहुत सुंदर पोशाक ले जाऊं। ऐसे नासिका पर केसर आदि लगे रहे थे, श्री किशोरी जी बैठी बराबर में, इतने सुंदर। और इन्हीं कणकवन में जो ठाकुर जी विराजमान है, इन्हीं के पीछे खड़े हुए ठाकुर जी हैं। ये जो खड़े हुए ठाकुर जी हैं, जब भगवान कृष्णचंद्र ने अयोध्या जी की यात्रा करने अपने हाथ से विराजा, वो आज भी कणकवन में जो खड़े हुए ठाकुर जी हैं उसी सिंहासन में, तो वह श्याम सुंदर के द्वारा सेवित हैं। और ये जो ठाकुर जी जो बैठे वाले हैं ये किसके द्वारा सेवित है, श्री विक्रमादित्य जी। ये जो कनक बिहारी सरकार है, ये जैसे वृंदावन के बिहारी जी लीला करते ऐसे यह लीला करते। इसी अयोध्या जी में संत थे जो भगवान को अपना मित्र मानते थे, भगवान को आगे भगवान कहते नहीं थे, और यार कैसे हो ठाकुर जी, और मित्र बताओ कैसे हो, कोई काम हो तो कभी बताना, ठाकुर जी को यही कहकर जाओ। तो जो मंदिर जी के पुजारी थे एक बार, तो उनके बेटा को चर्म रोग हो गया, तो वो वैद्य के पास गए। तो जैसे ही वैद्य के पास गए
वैद्य ने औषधि दी, औषधि में उन्होंने कहा तुम नीला होता हो वे भाई, तू पीस के बाद के अंग पर लगा ना औषधियों में कुछ, परंतु बालक उसे चाट ना ले, ये विचार करना। तो इन्होंने वह दवा ले जाकर एक स्थान पर रख दी, वहां भगवान की मिश्री भी रखी हुई थी भोग की। अब भगवान को दूध पे भोग लगाने का समय हुआ, उधर वो बालक जल्दबाजी कर रहा था, तो इसने क्या किया जो पुजारी जी थे, अब मिश्री तो देती बालक जल्दबाजी में, और जो वो दवाई थी वो ठाकुर जी के दूध में डाल दी, वजनी भगवान के दूध में डाल दी। अब कनक बिहारी सरकार को जब भोग लगा, रात को पट बंद हो गए, अब भगवान का शरीर नीला पड़ गया, अब भगवान को तो शरीर में दाहकता उत्पन्न हो गई। तब भगवान ने उन्हीं संत को दर्शन दिया स्वप्न में, हमें मित्र कहते हो और मित्रपन आपने निभाया नहीं, कहा क्यों क्या बात हो गई, आज हमें जहर पिला दिया गया, मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मुझे तो मान कष्ट हो रहा है, मेरी रक्षा करो। तब वो सन्यासी भागी और जाकर पुजारी की से, पुजारी जी बाहर है, क्या बात हो गई महात्मा जी, अरे तुम्हारी मति खराब हो गई, तुमने ठाकुर जी को जहर पिला दिया। अरे महाराज ऐसी क्यों कहते हो, हमको पिलाते ठाकुर जी को जहर, नहीं नहीं तुमने जहर पिला दिया, तुमने अपने बेटा को मिश्री दे दी और ठाकुर जी को नीला छोटा दे दिया। और जो ही यह विचार करा, हाँ मिश्री तो दी थी पर इन्हें कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला, ठाकुर जी ने दर्शन देकर कही, व्याकुल हो रहे हैं भगवान। आज रात्रि में ही कनक बिहारी सरकार का पट खोला गया तो क्या देखा, सरकार का शरीर काला पड़ गया, और जो ही काला पड़ा पुजारी तो पैरों में गिर गिर रो गए, हे ठाकुर जी गलती हो गई, ठाकुर जी गलती हो गई। तब भगवान प्रत्यक्ष रूप में बोले, ये जो भोग आपने हमें दिया इसे हमने सारा पी लिया, परंतु इसमें कुछ बचा हुआ है, यदि इसी भोग को कई मण दूध में मिलाकर एक एक बूंद मेरे भक्तों को दे दी जाए तब जाकर मेरा विष उतरेगा। अब यह बात श्री अयोध्या जी में ऐसी फैल गई कि ठाकुर जी को जहर पिला दिया गया, पीड़ा में पीड़ित है, पर कौन पीवेगा, तो सन्यासी ने कहा मैं पीऊंगा और कौन पीगा, पर भगवान ने कहा नहीं नहीं अनेकों को पिलाना पड़ेगा। अरे ठाकुर जी कौन पीवेगा, जो समझ नहीं आता। पर जो ही द्वार खोल कर देखा, लाखों लोग करण बिहारी सरकार के उस मंदिर के चारों ओर खड़े, हम पीवेंगे दूध, हम पीवेंगे, ना जाने बात कैसे बाहर चली गई। सन्यासी ने कही मर जाओगे, कहा बार बार जन्म मरण होता ही है, एक बार ठाकुर जी के लिए भी मर गए तो क्या हो गया। जो कनक भवन सरकार है उनकी हथेली काली है आज भी, उनके हाथ पर उस स्थान पर मेहंदी लगाई जाती है, उस हाथ को छिपाए रखा जाता आज भी सरकार की। तो जिस समय में गणेश कुंवरी जी के मन में चाह जगी कि हम तो राम जी का दर्शन करने जावेंगे पर पोशाक ले जावेंगे, तो पोशाक सीली अपने हाथों से, बड़ी सुंदर पोशाक, अब इनके पति के मन में आया चलो कुछ लीला कर देखें। तो इन जब वो थाल में सजे हुए वस्त्र जा रहे थे तो सेवक से कह दे इन वस्त्रों को चोरी कर दो, मैं भी तो देखूं इसके ठाकुर जी कैसे कपड़े पहनेंगे इसके, तो चोरी कर लिए गए। अब ये जा रही थी और जब कनक महल में पहुंची सेवक से कही वस्त्र दो, और जब वस्त्र लेना चाह और खाल लिया और जैसे उगारा तो उसमें तो कुछ था ही नहीं, सेवक कहां चले गए वस्त्र, पूरी जी हम तो लाए थे पर तो पता नहीं,
बलकोटा पार किया और जब गर्भगृह में विराजमान ठाकुर जी का दर्शन किया तो क्या देखा, सरकार ने वही वस्त्र धारण करके हैं जो चोरी कर लिए गए थे। तो आज कुंवरी जी ने देखा, आप तो हम पर बड़ी कृपा कर दिए, हमारा जो वस्त्र हम बड़े प्रेम से आपके लिए लाई थी आपने धारण कर लिया, अब तो मैं अवध को छोड़कर कहीं जाऊंगी ही नहीं। उस समय यहाँ पर तुलसीदास जी भी आए हुए थे, तुलसीदास जी से इनकी भेंट हुई, इनके मन में राम जी के दर्शन की इच्छा जगी, तो सरयू जी के तट पर बैठी थी। आप दर्शन नहीं दोगे तो मर ही जाऊंगी, तो छलांग मार दी सरयू में। जैसे ही सरयू जी में छलांग मारी और नीचे डूबने को हुई, ठाकुर जी ने सोची या मन ना जावे, तब ठाकुर जी अपना विग्रह प्रकट कर दिए और सरयू में से श्री गणेश गौरी जी मूर्ति लेकर प्रकट हो गई राम जी की। और जो ही मूर्ति लेकर प्रकट हुई, ये कौन सी मूर्ति है, कहा जिस समय राम जी वन में जा रहे थे तो इनकी माता रो रही थी, तब इन्होंने एक मूर्ति का निर्माण कराया था और वह मूर्ति श्री कौशल्या जी को दी थी। हे माँ, हम 14 बरस के लिए जा रहे हैं, आपसे हमारा वियोग देखा नहीं जाएगा, तो आप इस विग्रह को ही हमें मानकर सदा सेवित करना और जब हम आ जाएंगे फिर इस मूर्ति को एक और कर देना, इस मूर्ति को देखते रहना और हमें ही समझना हम ही हैं। तो 14 बरस तक कौशल्या जी ने जिस मूर्ति को रामभद्र के समान पूजा, और जब राम जी आ गए तो कौशल्या जी ने सोचा अब विग्रह का क्या करूंगी जब मेरा रामलला आ गया, तो उन मूर्ति को उस विग्रह को श्री सरयू जी में विराज दिया था। तो आज गणेश कुंवरी जी को इसी घोर कलिकाल में उन्हीं सरयू के बंधे से वही विग्रह प्राप्त हुआ जो कौशल्या जी ने भी राजा था। तो जैसे ही वह भी राजा था तो ये गणेश कुंवरी को नहीं कहा, ये उस समय कौशल्या जी है जो इस कलयुग में कौन बनकर प्रकट हुई, श्री गणेश कुंवरी जी और मधुकर शाह जी साक्षात दशरथ जी महाराज हैं। तो गणेश कुंवरी जी से भगवान ने कहा हम तुम्हारे संग चलेंगे, पर सुन लो कुंवरी जी, हम केवल पुष्य नक्षत्र में चलेंगे और कोई इस नक्षत्र में हम नहीं चलेंगे। तो वो यात्रा पुष्य नक्षत्र में चलती थी, तो जैसे पुष्य नक्षत्र लगता यात्रा शुरू हो जाती, जब खत्म होने वाला होता फिर यात्रा बंद हो जाती। तो कई वर्षों में ये यात्रा पहुंची, इतने में जब राजा को पता चला कि ठाकुर जी आ रहे हैं, चलो मंदिर बनवा दूं, तो इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करा, चार भुजा मंदिर, बड़ा सुंदर मंदिर है। और जैसे ही कुंवरी जी पहुंची कहां ओरछा, तो इन्होंने कहा देख मैंने तेरे राम जी के लिए मंदिर बना दिया, ये नहीं कहा भगवान राम के लिए, बस तेरे राम जी शब्द कह दिया। भगवान को तो ये बात बड़ी बुरी लगी, तो कुंवरी जी ने भगवान को रसोई में बिठाया था, भगवान तो रसोई से हिले ही नहीं, हम ही जाते उस मंदिर में, हम क्या करेंगे, जो अहंकार से बनाया गया हो वहां हम नहीं विराजेंगे, तो हम तो यही रसोई में विराजेंगे। और जब ऐसा कह दिए ना तब तो प्रभु जी, आज भी भगवान वही ओरछा में है, पर सुन लो कुंवरी जी, हम तब तक रहेंगे जब तक हमें यहाँ राजा मानकर सेवा होगी, यहाँ कोई और राजा नहीं होगा, केवल हम ही राजा बनकर बैठेंगे। तो आज भी वहां पर सरकारी जो मोहर होती है ना, जैसे भारत सरकार, फलाना सरकार, तो किसी सरकार की वहां मोहर नहीं चलती, वहां एक ही मोहर चलती है, आज भी राम राजा सरकार। कोई मंत्री आ जाए किसी को सलाह भी नहीं दी जाती, चाहे राष्ट्रपति आ जाए चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, वहां और छाल की पूरी सीमा में किसी मंत्री को भी सलामी नहीं दी जा सकती, वहां तो नित्य सलामी किसको दी जाती, केवल राम जी को। कभी आपका समय लगे, कभी रघुनाथ जी आप सब पर कृपा करें,
तो आप कभी वहां का दिव्य दर्शन करकर आना, बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। आज भी वह मंदिर प्रांगण है जिस मंदिर में भगवान विराजे नहीं ना। हमें भी इस स्थान के दर्शन का सौभाग्य मिला, दो बार गए नारायण। तो हम यह कह रहे थे भगवान दिन में जैसे कृष्णचंद्र दिन में श्री नाथ जी में विराजते और रात्रि में श्री गोवर्धन विराजते, ऐसे ही रामलला भी दिन में विराजते हैं ओरछा में और रात में विराजते कहां, अपनी अयोध्या जी में। तो प्रभु ये जो गोवर्धन नाथ है ये प्रत्यक्ष है, इनमें कोई अंतर नहीं। पर जब भगवान सर्व समर्थ है तो भगवान के घर में आकर कोई उत्पात मचा दे ये बात हजम नहीं होती। और इंद्र भगवान का अपराध कर दे तो यहाँ बहुत गोपनीय लीला है कि इंद्र ने वर्षा क्यों करी। एक बार किशोर जी के मन में आया, हे श्याम सुंदर हमारो बड़ो चित्त हेरो है कि हम नौका विहार करें। हमारो बड़ो चित्त हेरो ठाकुर जी ने कही यदि चित्त हेरो तो चलो नौका विहार करेंगे। तो आज ललिता जी के द्वारा एक नौका का निर्माण किया गया। जैसे ही नौका का निर्माण हुआ तो उस नौका में श्री ठाकुर जी बैठ गए, श्री ठाकुरानी जी बैठी और आठों सखियां बैठ गई। अब धीरे धीरे नौका चल रही, मंद मंद लहरें जब आने लगी, वायु चलने लगी तो श्री जी के जो वेणी के बाल है वो वायु के प्रभाव से आगे को आने लगे। और जब आने लगे तो इनकी चोटी में जो पुष्प गुथे हुए थे वो ढीले पड़ गए, इनकी चोटी ढीली पड़ गई। ठाकुर जी देखे प्रिया जी की तो वेणी ढीली पड़ गई। प्रिया जी ने कही हे लाल जी देखियो हमारी वेणी को क्या रह रहे हो। ठाकुर जी ने कहा तुम चिंता ना करो हम ही तुम्हारी वेणी पूछ देंगे। तो ठाकुर जी ने नौका में बैठे हुए श्री किशोरी जी का वेणी गूंथन किया, चुटिया गूंथी। और जो ही चुटिया गूंथने लगे तो वही में पुष्प आदि लगा दिए। तो इन्हीं सखियों में एक सखी है जिनका नाम है चंद्रावली। चंद्रावली ने देखा अरे प्रियतम को देखो कितनों लाड़ लड़ा रहे हैं प्यारे जी को और कितनों प्रेम से वेणी गूंथ रहे हैं, पर हम भी तो श्याम सुंदर को चाहती हैं पर कभी तो हमारी ओर तो आंख उठाकर देखते नहीं। तो जब इस लीला को देखी और जब ये लीला विश्राम हो गई तो ये कुंजन में बैठकर रो रही रोने लगी। तो एक सखी आई, वह सखी ने पूछी अरे बहन का बात है गई, कहने की आज मन बड़ो खराब है हो गया। अरे का है गई का बात है गई बता मुझे। कहा अरे का बता दें हम भी तो भगवान को चाहती हैं पर हमारी ओर तो कभी देखते ना है, हमारी तो कभी छुट्टियां जाने पूछी ना है। और उन्हें प्रिया जी कह रहे हमें तो कभी ना कही बात है प्रिया जी ना हमें प्यारी कही। हमारो भी चित्त है कि कभी श्याम सुंदर हमारी भी वेणी गूंथ है। तो ये सखी ने कहा तो इतनी सी बात पर रो रही है अरे तेरे लिए इतनी सी होगी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उस सखी ने जाकर ठाकुर जी से कही नहीं हाँ ऐसा नहीं कि आपको एक ही चाहती है, आपके बहुत अनन्य उपासक है। और देखो चंद्रावली बैठी रो रही है, क्या आप उस पर कृपा नहीं करोगे, क्यों रो रही है।
का उसकी इच्छा है कि आप उनकी वेणी घुस दो, उन्हें भी प्यारी कहकर संबोधित कर दो। भगवान ने कहा यदि आप कहती हो तो जाकर कह देना कि मैं उन्हें गोवर्धन की तलहटी में मिलने के लिए आऊंगा और संध्या के समय आऊंगा, कह देना जाकर। जाकर कही उस सखी ने, अरे श्याम सुंदर ने हामी भर गई। और जब ऐसा कहा आज तो ये बड़ी प्रसन्न है, और जिस दिन वो दिन आया तो इसने आज भर भर के समस्त कार्य संपन्न करे, और जब समस्त कार्य संपन्न करे तो मध्यान के ही वेला से अपने श्रृंगार शुरू कर दिए। आज तो प्रियतम मिलने के लिए आवेंगे, और जो ही सारे श्रृंगार करे, अंजन लगाए और भैया बेणी गूंज ली, कर्ण भूषण धारण करे, हाथ कंकण धारण करे, पैर नुपुर धारण करे और दिव्य भूषणों से भूषित होकर जब चलने लगी तो जाकर बैठ गई कहां, उसी गोवर्धन जी की पर्वत तलहटी। अब आगे प्राणों से प्यारे गोपाल जी।
कोई चित्रावली करती, तो ये राधा जी की ही प्रतिरूपा है।
इन्हें कोई आप साधारण स्त्री मत समझ लेना। तो आज चंद्रावली का बेणी पूछ दिया, चंद्रावली ने मनोविनोद में तेरी दादा जी को बताना चले। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल ना पता चलेगा, चलो। अब जो ही दोनों चलने लगे तो दोनों के पैरों का जो महाबल था जिसे आल कहते हैं वो गोवर्धन जी की पर्वत की शिला पे छप गया, और जो ही छपाया तो घबराई गई। अब तो प्रियतम हो लगे, बिल्कुल पता लग जाएगा, क्यों हम दोनों के चंदन के जो निशान हैं वो यहाँ छप गए हैं। अब ये अपनी ओढ़नी से बार बार पूछे साफ करे, पर वो तो साफ ही ना हुए, और जब नहीं साफ हुए तो ये जलोने लगी, अब तो मुझे बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। अन्ना तुम हमारी और देखोगे और राधा जी की सेवा से भी बहिष्कृत हो जाओगे, बताओ कहां जाओगे। भगवान ने ऊपर की ओर देखा और इंद्र को आज्ञा करी है, हे इंद्र आज श्री चंद्रावली जी बड़ी रुचि है, अब मेरी आज्ञा है कि तुम इतना जल बरसाओ कि मेरे और जो चंद्रावली के चरणों के निशाने हैं वो इस पर्वत से क्या हो जाए, छूट जाए, इतना जल बरसाना। तो आज इंद्र ने यदि जल बरसाया तो उसका मूल कारण यह है कि ठाकुर जी की इच्छा थी, ठाकुर जी ने ये लीला रचाई है। और जब यह गोवर्धन पूजा हुई तो भैया परिक्रमा वही बड़ी जोर की, जो ही जोर की परिक्रमा भाई प्रसाद बटने लगा। मैं फिर कह रहा हूं प्रसाद का सम्मान करना चाहिए, जगन्नाथ जी की घटना है करने के बाद, और जो ही टहलवे के लिए निकले तो इन्होंने घर की बहू को किसी के घर में जाते हुए देखा, और वो भी चौथे वर्ण का। इस घर की बहू को हो क्या गया, किसी के घर में आती जाती फिर अब लक्ष्मी जी घर आए गए। अब रात्रि का भोजन होना था, लक्ष्मी जी ने बड़ी जोर की गुस्सा। अब ठाकुर जी बिछाने, अब हम खा लेंगे, भैया कहेगा देख कैसा दुष्ट है, हमारी बात नहीं मान रहा है। अब कन्हैया ना चाहते हुए भी इच्छा भी बहुत सारी थी, कि लक्ष्मी जी क्रोध में ना जाए। अब एक और लक्ष्मी जी हैं, अर्थात एक और पत्नी है, एक और भाई है। अब भाई का कहना माने पत्नी नाराज रह जाए, पत्नी का कहना माने भाई नाराज हो जाए, ठाकुर जी तो बड़े धर्म संकट में, एक को तो नाराज करने पड़े तो भाई नाराज ना हो जाए। ठाकुर जी ने कहा हमें भी उठना ही है। लक्ष्मी जी ने कहा खा लीजिए, बड़ा मनो मन भाव से भोजन प्रसाद तैयार कर। नहीं 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 बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं। अरे कुछ बात तो है, कुछ कारण तो बताए दो। कोई कारण नहीं भैया, आप ही बता दो दाऊ जी से। लक्ष्मी जी ने सोचो आप तो ज्यादा गड़बड़ी है। अगला दिन हुआ फिर रसोई बनाई फिर ना खाई, दिन हुआ दिन में ना खाई, शाम है गई, लक्ष्मी जी तो परेशान। लक्ष्मी जी ने निवेदन करो चलो पालो, तो बहुत दिन दो दिन एक दो दिन हो गए। बलराम ने कहा कह दे कन्हैया इसे बहू को, इसके हाथ का तो हम पानी भी ना पी पाएंगे। लक्ष्मी जी ने अपना सामान बांधा, मैं तो जाऊं घर से। कन्हैया ने सोचा बात तो ज्यादा ही बिगड़ गई, बहू ज्यादा ही देगी। लक्ष्मी जी ने कहा जब मेरे हाथ का खाना नहीं मैं सेवा करके क्या करूंगी, पर मुझे पता तो चल जाता। बलराम जी ने कहा कैसे के घर में चली गई थी, अच्छा ये बात है, तो लक्ष्मी जी तो वहीं चली गई, मैं तो उसी के घर जाऊं। अब लक्ष्मी जी का जाना था, भगवान का जितना ऐश्वर्य था वो सब गायब हो गए एकदम, हाथ
हाथों की अंगूठियां कहां गले के हार कहां मुकुट क्या वस्त्र क्या भगवान के कपड़ा भी गायब बिस्तर भी गायब। भगवान ने सोचा भाई जो क्या हो गया, ये तो कोई वस्त्र आभूषण कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि लक्ष्मी जी सब रूप है, अन्न धन सब कुछ लक्ष्मी है, घर में एक दाना नहीं बचा, सारी रसोई के पात्र रित गए खाली है गए। बलराम को भूख लग, बलराम कन्हैया देखे रे भैया रसोई में कुछ रखा है नहीं, अब कन्हैया जावे कन्हैया कहे भैया एक दाना नहीं है। बलराम कहने लगे भाई बड़ी जोर की भूख लग रही लालन हुए तुम, ठाकुर जी ने कहा और कर लो नारायण, देख झुकने तो वाला मैं भी ना, कहीं से झुकने की तो कोई बात नहीं थी, आप नाराज नहीं थी, आप कह देते नहीं 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 बस। अब इन्होंने बदल लिए रूप दोनों ने भाइयों ने, और जो जगन्नाथ मंदिर जी के सामने बाहर वो बैठे रहते मांगने वाले, उन्हीं की पंक्ति में भगवान भी बैठ गए बलराम जी बैठ गए, कि वैसे भीतर तो कुछ मिलना ना है तो बाहर पंक्ति में बैठ जाओ भाई, कोई आने जाने वाले कुछ भिक्षा में दे देंगे वही खाकर पेट भर लेंगे। तो जो लाजा होती है ना खील, वो इनके हाथ में डाला गया, लक्ष्मी जी को पता चला अच्छा ये खाएंगे खील, इन्हें बताऊंगी। अब इंद्र को आज्ञा करिए ऐसी वायु चला कि इन्हें एक भी दाना प्राप्त ना हो। इंद्र ने चलाई ऐसी वायु, सारी खील थी दो वो सारी हो गई। दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखकर भाई तुमने महालक्ष्मी को नाराज कर दिया, अब दोनों भूखे रहेंगे। जब दो चार दिन हो गए बलराम ने कहा देख मैं तो नाराज हूं, तू लिया मना के मैं तो जाता ही नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ जो हुआ, मैंने मेरे तो उससे कोई लड़ाई नहीं थी। बलराम जी कहने लगे देख मैं चलूंगा तो पर मैं भूलूंगा नहीं कुछ। अच्छा चलो एक बार भगवान उसी भक्ता के घर के आगे कुछ टहलने लगे, लक्ष्मी जी जाने कि भगवान टहल रही है बाहर। लक्ष्मी जी ने सेविका से कहा कि जो बाहर दो पुरुष टहल रहे हैं उन्हें भीतर ले आओ। अब भीतर ले आए, भगवान ने कहा जैसा होगा तैसो एकदम स्वीकार कर लेना, कहीं नाक नहीं चढ़ाओ नहीं। स्थान भी ऐसा ही था, भगवान फिर बैठ गए भाई। अब भूख लग रही थी, उसने कहा कुछ खाओ गया, बलराम जी ने भी अनुमोदन कर दिया हाँ। अब इधर भीतर बैठी रसोई सिद्ध कर रही थी महालक्ष्मी जी, तो जो ही थाल सजा कर दो थाल लाई है भोजन के। अब तो बलराम जी ने भी देखा और ठाकुर जी ने भी देखा, दोनों बिना विलंब करे दोनों ने शुरू कर दिया। ठाकुर जी तो प्रथम कोर खाते कह रहे हैं लगता है महालक्ष्मी जी को बनाए गई है कोई और नहीं है। और जब भोजन से निवृत्त हो गए ठाकुर जी ने कहा जो तुम्हारे यहाँ भोजन बना रही है एक बार उसको बाहर तो लाओ। तो लक्ष्मी जी बाहर गई, भगवान ने कहा नारायण जी थोड़े दिन की होगा घर चले बहुत तो गर्मी अच्छी लगे। और देखिए भैया भी कह रहे हैं, भैया तो चुपचाप खड़े, कन्हैया ने हाथ मारा कह दो फिर भूखा रहना पड़ेगा। बलराम जी ने हाँ, पर लक्ष्मी जी ने कहा अब मैं नहीं जाऊंगा, अब देखो अब तुम मन करोगी। तब लक्ष्मी जी कहने लगी अब मेरी दो शर्त है, क्या शर्त है कि जब आपके मंदिर में प्रसाद बांटा जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी का भी कोई विचार ना किया जाए, सब एक पंक्ति में बैठकर भोजन प्रसाद ग्रहण करें, ये भेद हटा दीजिए। भगवान ने कहा एक मस्तु जाओ, और दूसरा जो आपका प्रसाद खावे उसे बिना साधन के मुक्ति दे दो, ये मैं चाहती हूँ। कहा हे नमस्तु जो आज से हमारा प्रसाद ग्रहण करेगा उसे मैं मुक्ति दूंगा। तो इसलिए नारायण भगवान के प्रसाद को सरल साधारण नहीं समझना चाहिए, ये तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान का ही रूप होता है, भगवान का ही। तो अब तो नारद जी भी प्रसाद लेने के लिए आ गए,
अजय नारद जी ने प्रसाद लियो, छटपटी सी है गई शरीर में, कैसी कि जाकर ये प्रसाद एक बार इंद्र को तो दे दो। इंद्र के यहाँ गई, इतनी बड़ाई मारी आई, कैसो प्रसाद, कैसे जोर को प्रसाद। और जो ही इंद्र ने प्रसाद को ग्रहण किया, इंद्र ने कहा बता तो दो कहाँ का है, बताया नहीं। और जब नहीं बताया और जब ग्रहण कर लिया, इंद्र कहता वैसे सच कह रहे थे, बहुत अच्छा प्रसाद है, अब तो बता दो कहाँ। कहा कल हरि मंदिर में 56 भोग लगे, मैं वहां गया था, मैं भी प्रसाद लेकर आया, वहां उन लोगों ने तुम्हारी तो पूजा करी ना, और किसे पूछ दियो, गोवर्धन को पूछ दियो। और जो ही ये बात पता चली कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा का तिरस्कार कर दिया, तब तो बड़ा क्रोध आ गया। और जो ही क्रोध आ गया तो गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांदकारिणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चहे मेरी आज्ञा का मेरा अवेलन अवेलना कर दी मेरी। जाओ हे आवर्तक संवर्तक, ऐसा जल बरसाओ कि उन ब्रजवासियों को पता लग जाए यह आवर्तक और संवर्तक नाम के मेघ चले, जो प्रलय काल के मेघ हैं। तो इन्होंने जाकर इतना उत्पात मचाया, कहीं कहीं एक एक क्षण में कहीं कहीं घन जल बरस गया। और जो ही जल बरसा, विद्योदमाना विद्युसंता सस्तनत्रवे तिप्रई मर्दगणिन्नुता वरुष्णु जलशर्करा, भयंकर जल बरसने लगा। और जो ही भयंकर जल बरसा, सब नंद द्वार पर जाकर खड़े हो गए, भगवान की प्रार्थना करी, कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नातं गोकुलं प्रभु त्रातुर्महर्षि देवा करा। भगवान ने कहा हमने जिसकी सेवा करी वही देवता हमारी रक्षा करेगा। चले और जो ही गोवर्धन नाथ जी के चरणों में जाकर सबने प्रार्थना करी, गिरिराज धर।
बाहर करी। रोने लगे ब्रजवासी। भगवान ने गोवर्धन नाथ जी से कही, महात्मा बहुत देर है कहीं तुम्हारी स्तुति करते हुए, पर आप जरा सा भी द्रवित नहीं हो रहे। अब मेरी आज्ञा है, एक हाथ भूमि से ऊपर उठ जाइए, भगवत आज्ञा मान ली। और भगवान श्री गोवर्धन नाथ को तो कहा, इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाञ्चलम् दधार लीलया कृष्ण छत्रामिव बालक। भगवान ने जैसे बालक छत्र को धारण कर लेता, ऐसे सरकार ने गोवर्धन नाथ को अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। बोलो गिरधारी भगवान की जय। ठाकुर जी धारण कर लियो, ब्रजवासियों की आंख खुली, अरे हमारे लाला ने गोवर्धन धारण कर लियो। सब डंडा ले लेकर भगे, नथियां लगा दी सबने। भगवान ने नाटक करा, भगवान की मैया जितना नाटक भगवान करे वास ज्यादा नाटक मैया करे। गांव वालों को बुलाई करी, तुम्हें तो सर बिना नहीं। गांव वालों को तो हमने का बिगाड़ी, तो हमें तुम हमारे पीछे पड़ी रहो, का कर दी हमने। अरे मेरा ना नासा बात है, इतनी देर रह गई, यूं हाथ ऊपर करे खड़ा, अब तुम निगोड़े यहीं खड़े है, तुम्हें दया ना आवे। मेरे लाला का हाथ थक गया होगा, कोई ना पूछी बस है। यूं कहे यशोदा मैया लाला की नर्म कलैया, कैसे झेले इकलो भार कन्हैया मेरो पारो। गांव वालों ने कहा, मैया तेरी मति खराब है गई, तुझे तेरे लाला को एक ही बात सूझे या इन्हें गोवर्धन धारण कर रखो है। पर सच्ची बात यह है कि हम समझ की लठियान पर है। मैया ने जब ये बात सुनी, सुन ले रे लाला, ये तेरे कोई कदर ना करे है, याद ये न तो हमें खरी खरी कह दे। और जब मेरे लाला ने धारण कर ही नहीं रखा, चल लाला नीचे कर ले हाथ। अजय ये कहा, ठाकुर जी ने कहा कर ले, हाँ कर ले। भगवान ने कहा एक बार पूछिए किन काम वालों से, सब ने कहा कर ले। कहते नहीं गोवर्धन धारण कर रखो है। तब ठाकुर जी मन ही मन कहने लगे, हे गोवर्धन नाथ, अब लीला करने के नीचे बताइयो, बस जो भी करना यही यही रहते रहते करना, यदि तुम नीचे को आ गए ना तो इनसे भगा भी ना जाएगा। तो गोवर्धन नाथ के मध्य से ठाकुर जी ने उंगली जो ही हटाई, तो ये गोवर्धन नाथ गांव वालों ने सोचा होगा, अरे भैया अब मरे। लठियां चरक गई, इतना जोर पड़ गया, चरचर चरचर करती लठियां टूट गई, सहारा ना दे पाई कोई। और अब तो हाथ ऊपर करे, ओ श्याम सुंदर कन्हैया बचाए गए। जो ही भगवान के शरणागत हो गए, अब तो श्री ठाकुर जी ने कहा, हे गोवर्धन अब हमारी आज्ञा है, आप बिना सहारे के स्थित हो जाओ। तो बिना उंगली के भगवान के इशारे पर गोवर्धन स्थित हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 7 दिन तक खड़े रहे क्यों। अब ये जो नंदगांव वाले जो भगवान का सखा, ये बरसाने वालों से कह रहे, देखा देखा तुमने, कहा क्या हमारे वाला लाला कितना जोर का, तुम्हारे तो भाग खुल गए, तुम्हें ऐसा जमाई मिल रोए। बरसाने वालों ने सोची, ये तो सीधी सीधी हमारी इज्जत उठा रही है। तो बरसाने वालों ने कही, ये जो खड़ो है ना, ये तो नाटक कर रहा है, वास्तव में ये गोवर्धन किसने उठाया, कहा हमारी किशोरी से। अब उन्होंने कहा तुम सिद्ध करो, हमारे तो सामने प्रत्यक्ष हो रहा है कि हमारे वाले ने उठा रखा है। तो जिस समय यह लीला होने लगी, तो शारिंग मुनि ने नंद जी से कही, इस आग से एक ही प्रकार से बचा जा सकता है। कहा कैसे, कहा जिस कन्या में 64 कला विराजमान हो, ऐसी कन्या को तत्काल बुलाया जाए और उसको स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर उसकी पूजा की जाए। तो विचार करने लगे, ऐसी कौन सी कन्या लावे भाई, तो केवल राधिका ऐसी हैं, श्री राधा जी जिनमें 64 कला विराजमान है,
तो श्री राधा जी को लाया गया और किशोरी जी को स्वर्णमय सिंहासन पर बिठाया और जहीं बिठाया तो किशोरी जी की सेवा करी, पर किशोरी तो केवल ठाकुर जी को ही देख रही और जहीं देख रही और भगवान भी आप अलग से किशोरी जी को ही देख रहे, किशोरी जी को देख रहे और यशोदा जी किसे देख रही, यशोदा जी साक्षात से ठाकुर जी को देख रही, यह नेत्र उठाकर यशोदा जी ने जिस रूप का चिंतन किया, यशोदा के जो घट में विराजे वही ठाकुर श्रीनाथ जी हैं, जो श्रीनाथ जी हैं आज भी इसी मुद्रा में रहते हैं श्रीनाथ जी, क्योंकि जिस समय यशोदा जी नीचे खड़े होकर ठाकुर जी को देख रही तो भगवान के नेत्र झुके हुए हैं और आज मैं या तो आप पलक दर्शन कर उधर से श्री किशोरी जी देख रही और ठाकुर जी के नेत्र श्री किशोरी जी की ओर है, तो इन बरसाने वालियों ने कही देख सच्ची बात तो यह है तेरा दादा तो कर लो नाटक, पर गोवर्धन ने दिखाया है तो हमारी किशोरी जी ने कहा हमें देखी नहीं थे किशोरी जी, तो कहा रे बाबलो हमारी किशोरी जी ने तो केवल नेत्र के भ्रुकुट मात्र पर ही गोवर्धन को धारण कर दिया, तेरे वाला तो उंगली लगाए खड़ा है, इसे भी जो शक्ति दे रही है वो कौन है श्री राधिका, और यदि मुझे ये बात प्रमाणित नहीं लग रही पूछ रहे अपने कन्हैया से, सारे ब्रजवासियों ने कही देख कन्हैया गड़बड़ी है भाई, कहा कौन बात की, कहा देख हमारी बिल्कुल नीचे है ये सब बात सुनना है, इन्हें बता दे सच सच गोवर्धन कौन ने धारण कर लिया, भगवान चुपचाप रहे थोड़ी देर तक, तो अरे लाला बोले का ना ये देख बट कितने बड़बड़ा रहे हैं बरसाने वाले, ये सारी की सारी नाज इकट्ठी हो गई, कह रही कि हमारी किशोरी जी ने धारण किया है, ठाकुर जी ने कही हम तो बोलने ही पड़े, ठाकुर जी ने कहा कर्जुमातन को बल बड़ो कछु को बिन कियो सहा, पर भगवान ने अगला शब्द कहा श्री राधा जो की कृपा है मैंने गिर भर लियो, जितने ये थे ना इनके दोनों नीचे है कन्हैया को भी स्वीकार करना पड़ा, बरसाने वाली ने कहा देख तेरे लाला का मुकुट झुकते है, ओ देख तेरे लाला का मुकुट झुकते है मेरे राधा के चरणों की ओर, मेरे राधा जी के चरणों की ओर, ठाकुर जी को मुकुट कैसे रहे हुए यूं ही रहे यूं झुका रहे, किसकी ओर झुका रहता कहा किशोर जी देख तेरे लाला की काली कमरिया मेरी राधा करोड़, तो इसलिए तुम कम बोला करो नंदगांवरों को कही मेरे राधा की कौन करे हो देख तेरे लाला की मूर्ति हमें
कितने बार? एक दिन में कितने पहर होते हैं? 8। हर पहर में भगवान को भूख लग जाती, माँ भैया दे देना तो खाए बैठो, कभी लड्डू दिया, फिर 3 घंटा बाद फिर कह अरे मैया कछुआ दे। ऐसे 7 दिन में भगवान ने कितनी बार खाया? 56 बार। इसलिए भगवान को 56 भोग दिए जाने लगे, नहीं तो ये 56 भोग का कोई कोई नहीं था। पहला उत्सव तो अन्नकूट हुआ, आज भी अन्नकूट कहा जाता। अन्नकूट माने अन्न का पहाड़ दिया था बनाकर लोग में। ये तो जब दूसरी बार गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर 56 भोग दिए गए सरकार को। क्यों? हमारे लाला ने 56 बार खाई थी आयुर्वेद में, तो इसलिए क्या करेंगे? 56 बार खाएंगे लाल जी। अब तो ये गणावर्तक और संवर्तक थे जो ये मेन, ये तो पहुंच गए सीधे इंद्र के दरबार। हमने इतनी वर्षा भी करी पर कुछ दाल ना गले, तो कहां भेज दिया आपने हमें? इंद्र तो घबरा गया, इसको कौन सुबालक आ गया जिसने पूजा बंद करा दी, इतने भयंकर मेघ बरसे उनका भी प्रभाव ना भया। सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, वो ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा महात्मन हमें सच सच बताए दो या ब्रजमंडल में कौन प्रकट है गुरु? माने पूजा बंद कराई दी और देखो अब तो ऐसी रक्षा करी वा बालक ने, गोवर्धन धारण कर लियो, शेषनाग को आज्ञा कर दे परिधि लगाकर बैठ जाओ, सुदर्शन चक्र उसके ऊपर घूम रहा था, अगस्त नाम के मुनि बुला लिए गए थे, जब जल बरसा तो वो सारा जल किसने पिया? अगस्त मुनि ने, क्योंकि त्रेता युग में एक बार सीता जी ने निमंत्रण दिलवाया राम जी से कहकर, अच्छे से पंडित जी बुलाया करो, हाँ मैं कुछ खाते नहीं, मैं इतनी मेहनत करूं, मीठा तो छूते नहीं, एक पूरी खाकर कह दे बस रह गए। राम जी से बार बार अब के बाद बढ़िया वाला बुला ना, जो पेट भर के तो खावे, हम इतनी मेहनत करें हमें लगे ही ना हमने कुछ मेहनत करी। राम जी ने कहा अच्छा, तो अगस्त नाम के ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया और राम जी ने बड़े जोर से कही अगस्त जी से देखो अच्छी तरह खाए, या फिर बार बार मुहे कहेगी अच्छे से पंडित बुलाया करो, अच्छे से पंडित बुलाया करो। राम जी तो अगस्त जी ने कहा प्रभु चिंता ही ना करो, बिल्कुल बैठ गए आसन लगा के। अब सीता जी बनावे, फिर परोसे, फिर लामे, सीता जी को पसीने छुटवा दिए अगस्त जी ने, कई बार आटो बुलवा दिया, जब थक गई बिल्कुल, राम जी से कहने लगी कैसे को दिया है निमंत्रण, कैसे को दिया निमंत्रण, क्या तो पेट ना भरा, इतनी बार आटे गोंद दिए, इतनी बार 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 प्रस्तुत कर रही हूँ, भैया धक्का भी ना गया, ये तो कह तो बोल दिया बोल दिया। तब राम जी ने कही अच्छा थक गई हुआ, अब यू बताओ ब्राह्मण कैसा लगा? कहा है तो अच्छा पर ज्यादा ही अच्छा हो गया, ज्यादा ही अच्छा, जो अच्छा एक तुलसी का दल दे आना, तुलसी का दल दिया अगस्त जी ने, जो ही स्वीकार करा और फिर तत्काल कह दिया अब तो निवृत्ति हो गई। पर जो ही जल जल ले आओ, जल से जल ले रहे सीता जी तो हाथ जोड़ती है, जो उन्होंने रोटी इतनी खा ली वो जल कितना पीवेगा? राम जी ने कहा देखो अगस्त जी, जल की तो तुम यहाँ कामना तोड़ना है, जल तो तुम्हें मैं अगली लीला में पिलाऊंगा, जल अब उदाहरण रह गया। तब अगस्त जी को आज निमंत्रण दे दिया गोवर्धन लीला में, ओ महाराज उस समय भोजन कराया था प्यास से रह गए थे, तो आज आप आ ही जाओ बस, जो जल तो हम आपको आज पिलाएंगे। तो आज वह कह रहा है इंद्र, वहां तो मुनि भी बुला रखा था, वो तो घटघट पी रहा, प्रलय काल में मेघ बरसे थे और वो पीता रहा, जरा सा भी जल ऐसा नहीं हुआ कि उसने कुछ किया हो, ऐसा कौन बालक है? ब्रह्मा जी कहने लगे लगे तूने नंद नंदन को छेड़ दियो, कहने लगे हाँ उसका नाम यही है। ब्रह्मा जी ने कहा फिर तो तूने आंख भुलाई गई अपने सिर पे, क्यों? कहा एक बार मेरी मति खराब है गई, मैंने उसे बालक समझ लियो, अब आने मेरी ऐसी दुर्गति कर दी
इंद्र तो घबराए गए, अब कोई किसी की हम मदद मांगने जाए मुझे उससे बचा दो, अब वो उसका ही चरित्र जानेगा वो तो बड़ो डेंजर है भाई, हैं? वो तो और घबरा जाएगा जो घबराया हुआ था। अब ब्रह्मा जी ने तो अरे मेरी तो बड़ी दुर्गति आपकी, ब्रह्मा जी आपकी, हाँ हमारी और कौन की, क्या हुआ था? कहने लगे रोज तो गैया चराने के लिए जाते हैं, इनकी माई का श्रृंगार करती और ये रोज गऊ चराने जाते। आओ लाले सिंगार धराऊं, भगवान का दिव्य श्रृंगार करती। आओ लाले सिंगार धराऊं, ये हम लोगों की भी ऐसी आदत है, यदि छोटे बच्चे या कुछ भी भोजन करके निपट के चले ही हो गाड़ी में बैठे, भूख लग गई और यदि पता है कि भूख लग है चल थोड़ी सी गैया चराएंगे फिर बाद में खाएंगे, अब बैठ जा और जब लाल जी हट करते भूख लग गई तब बलराम जी बड़े बिनो भाव से भगवान को भोग प्रसाद दे चल खा, बड़ा आनंद होता भैया। तो भगवान जितनी ग्वाल बाल होती है सब अपने अपने भोग धर देते भगवान का, भगवान अपनी उंगलियों में अचार की दलियां फंसा लेते, आम का अचार नींबू का अचार फुलाने का और रोटी भी हाथ में धर देते, एक हाथ में मट्ठा और फिर खावे फिर अचार छाते हैं फिर मट्ठा पी में कभी कुछ खावे और सखा था अरे दादा तुम खावे वो अचार नहीं तो हमें ना दे रहे हो, तब ठाकुर जी अपनी उंगली में जो अचार की दलियां फंसी वही को आगे कर करके ले नहीं तो तू भी चाट ले, तो समझ को चटा में। अब आज भगवान को तीखा सा कुछ ऐसा महसूस हुआ कि भगवान के नेत्र सजल हो गए, तो भगवान वैसे सच बात बताने भगवान को अपने घर का अच्छा लगता ही नहीं, जो भगवान के भक्त लाते हैं ना भगवान को वो बहुत अच्छा लग रहा है, न जाने को कितनी श्रद्धा से लाया होगा, तो भगवान के सखा जो जो प्रसाद लावे भगवान की तो रंग बिरंगा साथा, भगवान को जब तीखी मिर्च सी लगी अब ठाकुर जी तो सी सी करने लगे और जो ही लड्डू बात उठाने के लिए बढ़े तो इतने नहीं एक सखा ने वो भांप लियो कि लाल जी को तो मिर्च लग रही लड्डू उठाने में चल रहे हैं, तो उसने लड्डू उठा लिया और लड्डू उठा कर तो अपने मुखियों ले जाने लगे, भगवान ने कही शर्म ना रही हैं उठा लिया, एक बात तुझे कह दूं मैं आज, कहा कहो तुझे बड़ी बुरी लगेगी, अरे बता लाला का बात है, जा दिन से हम वन में आ रहे तुम कभी अपने घर से कुछ नहीं लाते पर जब खाने को नंबर आवे तो सबसे पहले तुम हाथ बटाओ, पहले खाना जाना खिलाना नहीं जाना, इतना सुनना ही था उसे तो ये बड़ी बात पूरी लगी, उसने सीधे वो लड्डू नहीं कर दिया, भगवान ने कहा अब मुंह बुला लिया अब नाराज रह गया चल खा ले, उसने सोची इसका भी कुछ नहीं बना जब खावे तो यूं कह देता खाना जाना खिलाना नहीं जाना और जब नहीं खा ले फिर कह रहे खा ले हम ही खाते हमारी भैया नहीं होंगी इतनी जल्दी आ रही हो, मैं तो घर जाऊंगा मुझे पता है किसी की भैया ना आई तो नाराज हो गया, इसलिए तू जाना चाहता है और जाना चाहता जा, और जो ये कहा वो चला गया, पर आज घर जाकर अपनी माँ से निपट कर रोने लगे, हे माँ आज तो ठाकुर जी ने बड़ी बुरी बात कह दी, क्या कह दिया, यूं कह दिया खाना जाना खिलाना नहीं जाना, माँ ने कब ऐसे कह दिया होगा, ना ना क्रोध कर रहा था उल्टी सीधी बहुत सी बातें कही हमने, अब हम तो बिल्कुल जानेंगे ना बात की मंडली में, भैया गरीब हो गई तो कोई भी हमें कुछ ही कह देगा। अब अगला दिन
अब इनकी माँ इनको उठाने के लिए चली, आज हम यही जानेंगे ज्वर हो रहा है शरीर में। माँ ने हाथ पकड़ के देखा, ज्वर नहीं है, ये ज्वर तो केवल मन का ज्वर है, शरीर का ज्वर नहीं। मैंने व्यवस्था बनाई, क्या व्यवस्था बनाई, अब इनके घर में कई दिनों का मट्ठा रखा था, टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया और उसी में नमक आदि डाल दिया, और ये अपने मित्रों को जाकर दे देना, अरे माँ इसमें तो दुर्गंध आ रही है और ऊपर से बासी रोटी। तब उनकी माँ ने कहा, बेटा सामे लगाकर खड़े थे, भगवान सबसे पूछ रहे, बोलो क्या क्या भेजा मैया ने तुम्हारी। अब ये सबसे पीछे तो ये खड़ा है सर, मुझे भी सबसे पीछे खड़ा है। अब कोई कह रहा है लड्डू भेजो, कोई कह रहा हलवा भेजो, कोई कहते गुजिया भेजी, पर इसे ये लग रहा है कि सबसे तुच्छ तो हमारा है जिसमें इतनी दुर्गंध आ रही है, सबसे तुच्छ है हमारा, तो मैं तो बिल्कुल ना दूंगा भगवान को। और यहीं से ये पीछे हट गया और सुदूर कहीं चला गया, और जब सुदूर चला गया तब तो नाथ, अब भगवान तो भोजन नहीं देख रहे थे, केवल दृष्टि थी नाटक मात्र, पर मूल रूप से भगवान का मन बुद्धि चित्त तो उसी मित्र पर पड़ा था। अब जब वह चला गया, ठाकुर जी तो खड़े हो गए, भाई मधुमंगल किसी ने का कुछ लाया नहीं होगा इसलिए तो चला गया, जब देने का नंबर आया तो भाग गया, तो भगवान जानते हैं गरीब है, अपनी गरीबी छिपाना चाहता है, तो भगवान तो गड़गड़ की जानने वाले हैं। खड़े हो गए, कहा जब तक वो नहीं आवेगा तब तक तो मैं भी कुछ खाऊंगा नहीं, और पहले उसे लाऊंगा ढूंढकर। अब वह तो दूर कहीं पेड़ के पीछे छिप कर बैठा था, अब भगवान आवाज लगाते चल रहे, हमें तो जल पीकर रहना पड़ता है, पर तो कृष्ण ने तो एकदम कह दिया खाना जाना खिलाना नहीं जाना, यदा यदा कदा कभी कभी जब हमें अन्न मिल जाता तो हमारी माँ हमारे पात्र में अन्न परोस कर कहती खा लो आप, पर मुझे पता है कि जिस पात्र को माँ ने ढक रखा है ना और कहती है कि मेरे लिए इसमें है, उसमें अन्न का एक भी दाना नहीं है, तो बालक भी एक तो कोर खाकर कह रहे, श्री हनुमान मंदिर घटाघर से पूज्य महाराज जी पधारे, आपका हृदय से सम्मान है, नारायण बोलो श्री वृंदावन, बोलो श्री वृंदावन बिहारी, नारायण। हमने तो कभी अपनी माँ से वस्त्र की भी कामना नहीं करी, हमें पता है हमारी माँ हमें
कैसे लाकर देंगी, गरीब हमारी स्थिति खराब है, हमने तो मां से कभी मिठाई नहीं मांगी, दूध नहीं मांगा, हमें पता है हमारे घर की स्थिति दयनीय है। पर कृष्ण की तो केवल जिह्वा चली कि खाना जाना खिलाना नहीं जाना, कोई जाकर उसे समझा तो देता, चलो ठीक हुआ। इतना भगवान सुन रहे हैं खड़े खड़े, ठाकुर जी ने तत्काल कंधे पर हाथ रख दिया, और जैसे ही कंधे पर हाथ धरा तो इस मित्र ने मुझको उठा कर देखा, जैसे ही तो देखा भगवान श्याम सुंदर खड़े, हृदय भर गया, हाथ पकड़ के झटक दिया, चले जाओ। भगवान ने कहा ऐसा व्यवहार करोगे हमारे साथ, पर आपने जो व्यवहार करा वो उचित था हमारे लिए, आपने सीधे सीधे कह दिया खाना जाना खिलाना नहीं जाना, एक बार घर की स्थिति जान लेते हमारे पास कुछ है या नहीं है तभी कुछ कह देते, बिना जाने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी। श्याम सुंदर आपको बताए, कल रात पूरी रात माँ रोती रही, जब से पिता गए मैंने कभी अपनी माँ को रोती नहीं देखा, क्योंकि वो धीरे धारण करे रहती, यदि मैं भावुक हो जाऊंगी तो मेरा बालक तो भावुक हो जाएगा। मेरी माँ सदा सुदृढ़ हृदय वाली बनी रही, पर तेरे कारण रात भर मेरी माँ रोई। श्याम सुंदर कैसी बात कह दी, और आप तो स्वर्ण की सैया पर सोने वाले, गरीबों की स्थिति क्या जानो, हम तो भूमि पर लेटते हैं, आपकी मैया आपको स्वर्ण के पात्र में परोसती है, हमें तो हाथ पर भी रख के कभी कभी प्राप्त नहीं होता, आप क्या जानो। भगवान ने कहते बहुत बड़ी गलती है नहीं? अच्छा यूं तो बता मैया ने क्या भेजा हमारे लिए, किसकी मैया, कौन की मैया। और मधुमंगल सोचे कि बड़ा हटी है, कहीं है जो मैं लाया हूं, और यदि इसने पी लिया और ये बीमार हो गया और गांव में तो बात फैल जाएगी कि इसकी मैया ने ऐसा दिया था, खराब वस्तु दी थी, उसके कारण बीमार हो गया। इसने सोचा बासी और झूठा खाने की आदत तो हमें है, इसे नहीं देंगे, तो जो ही वह हंडिया उठाई जो मैया ने भेजी और मुंह पर लगाई थी, अति तीव्रता में तो आधी से ज्यादा गिर गई, कुछ मुख में भर लिया, हंडिया ही फोड़ गई, और जो ये हुआ। भगवान ने कहा दुष्ट, एक तो माँ ने हमारे लिए प्रसाद भेजा और तू अकेला खा गया, पर ये कहना चाहता है कृष्ण हम गरीब व्यक्ति हैं, हम बासी वस्तु पचा सकते हैं परंतु आपको पचाना बड़ा भारी हो जाएगा। तो भगवान आज उसके हृदय की दीनता को दूर करना चाहते हैं, उसने मुंह में भर तो लिया था, ठाकुर जी आगे बढ़े और जो भरा था भगवान ने मारा उसके कपोल पर जो ही हाथ, तो उसके अधरों से बहने लगा, और जब बहने लगा तो त्रिलोकी के नाथ ने आगे बढ़कर जो ही चाटा, और जो ही चाट रहे हैं कह रहे हैं ऐसा सुख संसार के किसी वस्तु में नहीं आया। मेरी माँ मुझे रोज माखन खिलाती भोग देती, पर सच बताऊं इतना सुख तो मुझे किसी भोग प्रसाद में भी नहीं आया जितना आ जाए। ये मधुमंगल रो रहे थे, भगवान उन वस्तु को चाटते चाटते की आंख कान सु भी चाट गए। ठीक है, सच बात तो यह है भगवान क्षीर सागर में रहते, पर आज तक कोई समुद्र भगवान को डुबा नहीं पाया, आज तक कोई नदी नहीं डुबा पाई, पर हाँ यदि वो डूब जाता है तो भगवान भक्त के आंख के आंसू में डूबते हैं। एक बूंद अश्रु की ठाकुर जी को चलायमान कर दिया, माँ को वस्त्र नहीं दे पाया मैं, माँ को कभी कोई वस्तु नहीं दे पाया, पर मैं माँ के जीवन को कलंकित नहीं करना चाहता, तो इसलिए आप ऐसा मत कर देना कि मेरे घर का भेद कहीं भी जाकर खोल दो और जाओ कृष्ण जाओ। अब हद हो गई बोलने की, हम भी जरा सी बात का तेरे लिए तो जरा सी हो सकती है कन्हैया, पर हमारे लिए जरा सी नहीं थी। राजन
सच बताया तूने महान कष्ट दिया, ये मित्रता यही पर। भगवान ने कहा तूने एक शब्द भी यदि कह दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक शब्द क्या तुम कुछ ही कह दो किसी को और कोई आपको कुछ ना कह में, इसलिए सुन लो कान खोल कर, कभी दिखाई ना दे जा रहे हैं। भगवान ने कहा लगता है अब हम ही अपने आप को दंड दें। खड़े हो गए ठाकुर जी और जो पेड़ था भगवान अपना माथा मारना प्रारंभ कर दे, क्यों इस मती में ये खराब बात आ गई, क्यों हमने तुझे कुछ कह दिया। और जो ही माथा मारने लगे इतने में ही मधुमंगल ने उत्तर हाथ अड़ा दिया, ऐसा मत कर मेरे सामने। भगवान ने कहा एक ओर तो संबंध तोड़ रहा है और दूसरी ओर हमारा दुख देखा नहीं जाता आपसे। मधुमंगल हाथ जोड़कर कहते श्याम सुंदर, इस संसार में यदि हमने किसी से प्रेम किया तो वह आपसे किया, पर यह आपसे बिल्कुल भी हमारे मन में यह नहीं था कि आप इतनी बड़ी बात कह दोगे, ऐसा कह दोगे आप। भगवान ने कहा अच्छा चलो मेरे संग चलो वहां जहां सब मित्र गए थे, ना अब नहीं जाओ। भगवान ने कहा अब तो जाना ही होगा, अब तो हमारी भी आपसे यही प्रार्थना भी है और आज्ञा भी है, फिर तुम जाकर आज बोलोगे सब उल्टी सीधी कहोगे। नहीं कहूंगा नहीं कहूंगा, सुगंध है यशोदा जी की। चल भी अब जैसे ही पहुंचे सबने कहा लो लो भाई ममता आ गया। भगवान ने कहा खबरदार कोई से ममता कहेगा तो कहा ममता ही तो है जो कुछ लाता नहीं, खाने का नंबर में सबसे आगे। भगवान कहते कौन कहता ये नहीं लाया, लाया है तो कहां है। भगवान ने एक पोटली रख दी सबके बीच में, मधुमंगल सोचे हम तो कोई पोटली लाए नहीं थे, इसमें कौन सी पोटली धर दी। मधुमंगल तो पेड़ के बराबर में जा करके पीछे को खड़े हो गए। अब जो ही सखाओं ने उस पोटली को आतुरता में देखा, पहली ग्रंथि खोली और जो ही दूसरी खोली तो ठाकुर जी ने अपनी ठकुराई दिखा दी और आज इतने भोग व्यंजन उसमें प्रकट कर दिए, देखने वाले आश्चर्य में पड़ गए। भैया जो संसार में कभी बने नहीं थे, जिनके नाम भी दुनिया को नहीं बन जाते, वो भोग ठाकुर जी ने प्रकट कर दिए और जो जो था वह आनंद आ गया। और जो ही खाने लगे सबने कहा आम कहते थे बिकुंडा है कुछ नहीं लाता, भगवान ने कहा हमने कह देना कह दे, अरे लाते नहीं ना पड़ी थी। भगवान ने कहने कि हमने तो वैसे ही विरोध में कहा था, पर सच बता मैं इसकी मां तो बहुत ही जादू करनी, इतना प्रसाद भेज दिया। अब यह आम बंद करे था, इसने सोचा सारी बात खुल गई इज्जत उतर गई, पर जो ही आम खुल कर देखा तो क्या देखा, उस पोटली में श्री ठाकुर जी ने अपनी कृपा को ऐसो प्रकट कर दिया, इतने बहुत प्रकट कर। तो भगवान को बुलाकर चरण पकड़ लिया है श्याम सुंदर, इस संसार में तो ये संसारी लोग एक दूसरे की इज्जत उतारने में लगे रहते हैं, केवल एक आप ही हैं जो अपने भक्त की इज्जत को सदा बांधे रहते हैं। आपने मेरी इज्जत नहीं बचाई, आपने तो मेरी माँ की इज्जत बचाई है, मेरी माँ की। और नारायण वास्तव में ठाकुर जी के जितना तो दयाल कृपाल कोई है नहीं, वो कल भी कृपा करता था वो आज भी कृपा करता है, कैसी कैसी कृपा करती, उसकी तो कृपा का ठिकाना ही नहीं है। कैसे भक्तों के लिए क्या क्या कर देता, आज भी भगवान भूख खाते हैं, खिलाने वाला चाहिए, आज भी स्वीकार करते हैं भूख। एक सेविका किसी मकान में झाड़ू पोछा कर रही थी, दिल्ली की घटना थी, आंगन में टीवी चल रहा था, टीवी में छप्पन भोग की कथा चल रही थी, तो वो पोछा लगाती लगाती रो रही है,
सेठानी ने पूछी, क्या बात है भाई, कहीं दुखी हो? घर में सब ठीक भी है? नहीं, बालक रंग ठीक है। हाँ ठीक, फिर रोती क्यों है? का सारा जीवन इस झाड़ू पोछे में निकल गया, पर हमारी भी इच्छा होती है भगवान को कभी भोग दे देते। हमारी इच्छा, दुनिया भगवान को 56 भोग देती, पर हम तो आज तक भगवान को एक भी भोग नहीं दे पाए। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कभी वृंदावन जाती, कभी नंद नंदन ब्रजराज को भोग देती। चली गई यार, शाम को कुछ स्त्रियां इकट्ठी होकर आई, दो चार उसी सोसाइटी की जिसमें वो रहती थी। द्वार की बैल बजी, सिंह द्वार खोला सेठानी ने। हाँ आइए आप, बोलिए क्या निवेदन है? कहा उन स्त्रियों ने, हमारी इच्छा पूर्ण हुई है, पर हमने ये मनोरथ किया था कि जब इच्छा पूर्ण होगी हम यात्रा ले जाएंगे सिर्फ वृंदावन। तो आप भी यदि किसी का नाम लिखवाना चाहती हो तो लिखवा दो। तो उसने कहा मेरी एक सीट पक्की कर दो, एक 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 व्यक्ति हमारे घर से आएगा, कोई आएगा। अब अगले दिन वह नौकरानी आई, कहने लगी देख ठाकुर जी ने तो तेरी कान लगाए सुन ली, तेरे वृंदावन जाने की मनोरथ सिद्ध हो गया, मैंने तेरा वृंदावन का टिकट करा दिया समझ ले, और तू चली जाना, 500 रुपए भी दिए, रहना खाना जो होगा वो कर लेना व्यवस्था। बड़ी प्रसन्न है, 500 रुपए लेकर घर गई तो देखा बेटा रो रहा। सेविका ने पूछी बेटा से, उससे क्या बात है कि कार तो मास्टर जी ने क्लास से बाहर कर दिया, फीस जमानी थी। कितने रुपए है बेटा? का 250 रुपए है। 500 में तो 250 बाहर देना पड़ा। फिर बच्चे फिर कहने लगी मैं कल जाऊंगी, घर में देखो राशन है ना है, राशन भी नहीं था। अंत में केवल 50 रुपए बचे और एक 5 का सिक्का था। तो अपने साड़ी के एक भाग में 50 बांध लिए, एक में बांध लिए 5। और जब ये गरीब नहीं ना उस गाड़ी में जाकर चढ़ने लगी तो सबने दूर परे करा है, किसे भेज दिया इसी को, किसी ने बैठने भी नहीं दिया। और जो सबसे पीछे वाली गाड़ी की सीट थी उस पर उसे बिठाया गया, बैठी। पर उसे इस बात का कोई मलाल नहीं है, उसके तो मन में एक भाव है कि मैं वृंदावन जाऊंगी। वो तो भूल गई सब, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। और जहीं बस चली और वृंदावन आ गया, किसी ने कहा भाई वृंदावन आ गया, ये तो रोमांचित हो गई, अरे वृंदावन आ गया। और जहीं गाड़ी जाकर वहां पार्किंग में लगी तो इसने तो उतरते पहले उस भूमि को प्रणाम करा, ये वही भूमि है। पर आश्चर्य तो ये रहा, सब अपना सामान ले लेकर अपने अपने कोई होटल में चला गया, कोई कहीं चला गया, पर इससे किसी ने ना पूछा। दुकानदार भी अब गरीब थी, बिल्कुल सच्ची घटना। इसने सोचा मेरा तो कोई जानकार भी नहीं, मेरे तो एक ही जानकार है श्री ठाकुर जी बिहारी जी महाराज। तो उसी बिहारी जी की गलियों में चली, और जो ही बिहारी जी की गलियों में चली वहां वो पेड़ों की जब दुकान देखी तो मन में भाव जग गया मैं भी ठाकुर जी को भोग दूंगी। तो पेड़े वाले से पूछो भैया कैसे दियो? कहा 200 रुपए किलो। तो कहा एक पाव दे दो। तो जो ही एक पाव लिया 50 रुपए का लगभग। तो जो ही देने लगी तो सुबह पैसा देने लगी तो क्या देखो उस भीड़ में इसकी जो 50 रुपए की गांठ थी साड़ी में बंधी वो भी किसी ने खोल दिया। महान कष्ट, हम तो देने योग्य रहे ही नहीं, जैसे कैसे आ भी गए थे, सोचा था भोग देंगे, वो 50 बच्चे भी थे वो भी ठाकुर जी आपने चोरी करा दिए। लगता है गरीबों का प्रसाद आपको भी अच्छा नहीं लगता। चलो कोई नहीं, मंदिर में चली गई, सिर्फ बिहारी जी सम्मुख थे, दर्शन किया, गदगद हो गया मन। और जब गदगद हुआ पर उलाना दे दिया बड़ा भारी, आप भी अमीरों के ठाकुर हो, आपको भी गरीबों की वस्तु अच्छी नहीं लगती, इतने बदल जाओगे हमें नहीं पता था। जो सबरी के बेर खा सकता था
आज वो मेरे हाथ का कुछ खा नहीं सकता। और जब ऐसी बात कह दी, गोसाई जी ने देखा कोई नाग रोटी भी रो रही है। गोसाई आ गए, पूछा बेटी क्या बात कही रो रही है? अरे महाराज गरीब नाग हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक तो आ गई, पर भोग देना चाहती थी, चोरी हो गए पैसे। इतने में ही हलवाई भागा भागा आया, महाराज जी जो ठाकुर जी का 56 भोग बन रहा है उसमें नमक की कमी पड़ गई, नमक मंगवा दीजिए। तब इसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं भगवान को पेड़े का भोग तो लगा नहीं पाई, मेरे पास केवल 5 रुपए हैं, यदि आप कह दें मैं नमक ही ला कर दे दूं। अरे बेटी जा तू नमक ले आ। तो नमक खरीद कर लाई, गोस्वामी जी को दिया। तो गोस्वामी ने कहा, बेटी हर चीज का मोल उतार दिया जाता पर नमक का मोल नहीं उतरता। ठाकुर जी के इस प्रसाद में ना जाने कितने द्रव्यों में ये नमक मिलेगा, और तू तो एक ही भोग देती है तो भोग तो में मिलेगा। तो भगवान तो भाग ग्राही है, आज भी यदि हमारी भगवान में सच्ची निष्ठा है तो आज भी भगवान प्रत्यक्ष होकर लीला करते प्रत्यक्ष। तो भैया आज तो वह मधुमंगल कह रहा है, बोलो भक्त वत्सल भगवान। अब घड़ी कुछ कह रही है, हमें कुछ और कह रही है। आगे चले या एक भाव गाने गाने, तुम भागने तो नहीं, अब भाग भी जाओगे, ठाकुर जी तो यही बैठे हैं, बोले सुना दे। बोलो वृंदावन बिहारी, चलो कथा ही सुनो। अब यह हुआ, इंद्र को भाग हो गया, इंद्र गौ माता का आश्रय लेकर आ गए, और जो ही गौ माता का आश्रय लेकर आए तो भगवान ने दया करी, और ब्रह्मा जी की तो बहुत भारी दुर्गति हुई थी, इसी लीला में ब्रह्मा जी ने वो गैया बछड़े ये सब चोरी कर दिए। भगवान ने देखा ना गैया ना बछड़े ना सब भाई मिले, ब्रह्मा के पहुंचने से पहले ब्रह्मा बनकर पहुंचे। अब वहां द्वारपालों को कह दिया, आजकल एक नकली का घूमे नाटक करता, आ जाएगा तो थोड़ी सी बुद्धि ठीक कर देना, बहुत देर रह गई नाटक करते करते। ब्रह्मा जी जब पहुंचे, ब्रह्मा को दही अड़ंगी गिरा दिए, बाकी गाड़ी मरोड़ी कोई भुजा मरोड़े द्वारपाल, नकली कहेंगे नाटक कर रहे घूमे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी मति खराब हो गई जो हमारे साथ ऐसा कहा। अरे नकली के स्वांग करने वाले हमारे वाले आए थे, कह रहे थे कि नकली का घूमे है। ब्रह्मा जी ने सोचा कौन आ गया, ब्रह्मा जी भीतर गए, देखा वहां तो कुछ भी नहीं, फिर ध्यान लगाया और देखा ब्रजमंडल में वही लीला चल रही है। तो जान गए कि जिसे मैंने बालक समझ लिया वो बालक नहीं, वो तो परमात्मा है। परीक्षित जी कहते ब्रह्मा जी को तो भगवान ने इतना दंड दिया और इंद्र को इतनी जल्दी छोड़ दिया। भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है वो चाहे ब्रह्मा भी क्यों ना हो मेरे दंड का अधिकारी है, और जो मेरे भक्तों को मुझसे मिलाता है उसने जीवन में कितने बड़े पाप क्यों ना कर रखे हो फिर भी मैं उस पर कृपा कर देता हूं। तो इसलिए इंद्र ने गलती में भी एक अच्छा काम कर दिया, वही गैया वही बछड़े वही मैया वही भैया सब आ गए, और इंद्र ने क्या करा, ओ ब्रह्मा ने क्या करा, गैया भी ले गया बछड़े भी ले गया मित्र भी ले गए। भगवान ने कहा अच्छा मेरे भक्तों को मुझसे दूर करोगे, अब मति सुधार दूंगा। तो इसलिए भाई कभी भी अपने से पूजा बने या ना बने, अपने से व्रत बने या ना बने, पर किसी के भजन में बाधा मत बजना, और किसी को ज्यादा टीका टिप्पणियां मत करा करो। हम लोग बहुत बुद्धि के खराब हो गए, हम खुद तो मंदिर जाते नहीं, कोई जा गए बड़े बड़े भगत आ गए ऐसे ऐसे आ गए नाटक करते थे,
अब कोई हमारे कहने से यदि किसी ने मंदिर में जाना बंद कर दिया, भाई नदी का वेग रोका जा सकता है पर भगवान के भक्त की भक्ति का वेग नहीं रोका जा सकता। ये ऐसा वेग है कि कुल का कुल विध्वंस कर देता है, तो इसलिए इस वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल। तो ये गोवर्धन है क्या? कल से गोवर्धन चल रहा, अब तक गोवर्धन चल रहा है, 7 दिन भी चल सके गोवर्धन यदि तुम चाहो तो भैया, पर 7 दिन ही तो बस इतना ही अभी। तो ये गोवर्धन है क्या? ये गोवर्धन नाथ ये शरीर है, शरीर ही गोवर्धन है। भगवान ने इसे उठाया है, पर जब व्यक्ति कहता मैंने उठा रखा है, कुछ लोग पता क्या कहते हैं, जब हम ना होते ना तुम्हारी दुर्गति हो जाती, हम ना होते ना तुम्हें कोई पूछता नहीं, हम ना होते ना तुम्हारी बेकदरी हो जाती, हम ना होते ऐसे लड़ते फिरते। भगवान ने जिस समय गोवर्धन उठाया और सबने लठियां लगाई, गांव वाले ने कहा तू उंगली हटा या लगा इसका कोई प्रभाव नहीं, ये तो हमारे बल पर है। भगवान ने कही अच्छा जी इतनो अहंकार, ठाकुर जी ने जो ही उंगली हटाई फिर क्या हुआ था, लठियां टूट गई थी नहीं, तो ये लठिया क्या है, ये अहंकार है हम सबका। तो इसलिए ये कभी ना कहा करो कि मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मुझे ही कोई और दे रहा है, मैं किसी का क्या घर चलाता हूँ, हम तो खुद उनका दिया हुआ कर रहे हैं। इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे ठाकुर का, मुझ में ऐसी कोई वस्त्रों का हरण हुआ। दुनिया ने तो भगवान पर बड़ी उंगली उठाई इस विषय पर, भगवान गोपियों से कहते हैं बस जैसी हो वैसी आ जाओ फिर ले जाओ कपड़े। अब भगवान क्या कह रहे हैं, गोपी तो केवल निमित्त मात्र है, कमोल इशारा तो हमारी हो रही है, कुछ बात ऐसी होती है कि हम स्पष्ट। भगवान ने प्रवचन दिए नारी का धर्म क्या है, कहा तेरे प्रवचन पूरे हो गए, कहा नहीं हाँ हम भी कुछ कह रहे हैं। फिर गोपियों ने अपने भाव धरे कि राज प्रारंभ हुआ, गोपियों में मान पड़ा, भगवान छोड़कर चले गए। फिर इन्हीं गोपियों ने रुदन करते हुए एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी है। आओ ये कोई शोक बोल रहे चल रही है,
और बैठे बैठे बीपी बढ़ा लेगा व्यक्ति अपना, हमारी बात चल रही होगी। और हमें भी देखकर सुनिए, तुम किसी के संबंध को नहीं जानते, कौन क्या है, भाई लगे, बहन लगे, क्या लगे, और एकदम जज बन जाते। इसलिए भगवान का जो ये रास है ये परम शुद्ध है, ये विषय जीवों का भाव नहीं है। इसलिए लीला का हम ज्यादा विस्तार नहीं करते, केवल वृंदावन के मध्य इस कथा को ज्यादा प्रकट करते हैं, क्योंकि लोगों की बुद्धि का जो आज का व्यवहार है वो इस तत्व को शायद संभाल पाए या ना संभाल पाए, क्योंकि इस बुद्धि में तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। वो क्या उस विशुद्ध प्रेम की चर्चा को जाने। भैया महाराज जीव और ब्रह्म का तत्मय रूप है, बस यही है। कंस के द्वारा क्रूर जी को भेजा जाना और भगवान का श्री मथुरा जी की ओर जाना। मथुरा में जाकर सरकार ने बड़े बड़े पापियों का वध किया, चाण और मुष्टिक कुबलिया पीड़ा दी, अंत में तो कंस का भी उद्धार कर दिया। अपने नाना अपने माता पिता को बंधन मुक्त किए भगवान का यज्ञों का भी संस्कार हुआ। और ठाकुर जी को पढ़ने के लिए उज्जैन में भेजा गया। भगवान उज्जैन में गई, 64 दिन तक भगवान उज्जैन में रहकर शिक्षा से युक्त हुए। और जब भगवान चलने लगे तो गुरुदेव को उनके मृत पुत्रों को गुरु दक्षिणा में देकर सरकार लौटे। पर आज तो गए मथुरा जी में, पर अब मन नहीं लगता, बड़ा मन उदास रहता, बोलते बोलते चुप हो जाते, किसी से बोलते बाहर नहीं जाते। और जब दुखी रहते हैं दिन की बात, देवकी जी ने भोजन बनाया है और जो ही देवकी जी ने भोजन बनाया तो नारायण देवकी जी ने जब भोजन बनाया भगवान को भोजन के लिए निवेदन किया गया, भगवान श्री उद्धव जी के संग पधारे। और जो ही उद्धव जी के संग आए हैं, चौकी पर भोजन प्रस्तुत है, भगवान बैठ गए और जैसे ही भोजन पात्र पर भगवान का दृष्टिपात हुआ, ठाकुर जी भोजन को प्रणाम कर सीधे भीतर चले गए। जो देवकी बड़े भाव से भगवान के लिए भोजन बनाई थी और जब देखा बेटा भोजन छोड़कर चला गया, उद्धव जी से कही, उद्धव क्या बात है, ये बहुत उदास रहता है, ये बोलता नहीं कहीं जाता नहीं, क्या कारण है बताना मुझे। उद्धव देव का बड़े भाव से भोजन बनाया था, जो जो इसे पसंद था सब चीजें रखी, पर आज भी भोजन छोड़ दिया। कई दिनों से देख रही हूं, उद्धव ने कहा मैं जाऊंगा, मैं समझाता हूं, मां अभी ला रहा हूं। भीतर गए, श्याम सुंदर ये उचित बात नहीं है आपकी, मैया को इतना कष्ट देना, चलो बाहर। भगवान मुख ढक के लेटे थे, श्याम सुंदर तुम सुन नहीं रहे मेरी बात, मैं निवेदन करता हूं आपसे, मैया दुखी है, बड़ी व्याकुल है, चलो ना। और जो ही भगवान का पीतंबर हटाया तो देखा ठाकुर जी रो रहे हैं, और जो ही रो रहे थे, अब तो उद्धव जी से निपट गए और भगवान के उद्गार प्रकट हो गए। क्या बात है, तुम दुखी क्यों होते हो, रोते क्यों। भगवान ने कहा, उद्धव Thank you.
मुझसे व्रत नहीं भी समझा और आज तो माँ ने घाव हरा कर दिया जब मैंने भोजन को देखा। क्यों? कहा माँ देवकी से कहना मुझे भोजन तो दे दिया करे पर मुझे भोजन के थाल में माखन ना दिया करे। और जब जब मैं माखन को देखूं मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ जाती। जब मैं मथुरा के लिए चल रहा था तो द्वार पर खड़ी थी माखन का पात्र लिए हुए और बार बार कह रही थी लाना मिक्सू खा ले। पर मैंने सोचा माँ आज आप खिलाए दोगी कल कौन खिलाएगा मुझे। तो इसलिए मैया उद्धव मैया को कह देना मुझे माखन ना दिया करे, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। उद्धव ने कहा रे उन ब्रजवासियों के लिए रोते हो जो अनपढ़ गंवारे हैं। भगवान ने एकदम कहा रे उद्धव मुझे कुछ कह दो आप, तो मेरे ब्रजवासियों को यदि आपने कुछ कह दिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। उद्धव मेरा मन बहुत दुखी है, मुझे तो लगता है मेरी माँ के प्राण सुरक्षित है भी या नहीं। मेरा पत्र लेकर चला जा, आज भगवान एक पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिखते हुए कह रहे ओधो तुमैया को सुनियो तेरा पूछता नहीं हमें दोबारा। हमारी मैया यदि हम मना कर देते तो माँ थाली ले लेकर पीछे डोला करती थी। यदि मुझे छींक आ जाती हो तो बार बार कुल देवता के मंदिर में जाकर कुल देवता मनाया करती थी। उदो यदि मेरे नेत्र चढ़ जाते गौ माता की पूछ घुमाया करती थी। पर यहाँ कोई मेरा हाल चाल पूछने वाला नहीं है, इसलिए उदो जाकर तुम संदेश दे दो मेरा। अपना पीला पीतांबर दिए नाथ ने, मुकुट दिया था, रथ दिया था। उदो रथ में जा रहे हैं आज मथुरा से वृंदावन की ओर। भगवान के ग्वाल बाल रोज प्रतीक्षा करते हैं आज आवेंगे, आज तो आ ही जावेंगे, रोज प्रतीक्षा करते थे। तो आज रथ आ रहा था तो ग्वाल बाल झाड़ियों से निकल गए, ताली बजाने लगे, भाई हो भैया देखो रथ आ रहा है, वही रथ आ रहा है जिसमें हमारे लाला गए थे, वही रथ आ रहा है। अरे हमारे भैया आ गए, आनंद मनाने लगे। और जो ही आनंद मनने लगा तब तो नाथ, तब ये हुआ वो जो मधुमंगल की आज कथा सुनाई है ना, ये मधुमंगल झाड़ी में बैठा रहा। किसी ने इससे कहा क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं हो रही भगवान आ रहे हैं, तो ये मधुमंगल रोने लगे। कहा अरे हंसने का विषय तुम रो रहे हो? कहा दुख की बात तो यह है, सच्ची बात बता दे, यदि हमारे वाला होता ना तो अब तक तो ये रस्से कूद गया होता और भाग कर हमें अपने अंक में भर लेता, ये हमारे वाला नहीं है।
और जो ही उद्धव जी को निकट देखा आया हुआ तो उनकी चर्चा सुनी। नंद जी के घर का विषय पूछ रहे थे, नंद जी का घर बताया गया। चले गए घर में, नंद जी ज्वर में थे और आज तो ज्वर पीड़ा में पीड़ित थे। भैया नारायण, अब तो यह हुआ, पर ज्वर में पड़े पड़े कन्हैया छोड़कर चला गया, किसी ने उसे रोका भी नहीं। बूढ़े का सहारा तो उसका पुत्र होता है, अब बुढ़ापे में छोड़कर चला गया, ज्वर में बड़बड़ा रहे थे। उद्धव जी गए, पैर पकड़ लिया। बाबा, जो ही नंद जी ने आंख खोली, कौन हो? उद्धव हूं, भगवान का मित्र हूं। बैठ गया, तो जब बैठे तब तो नाथ पूछना प्रारंभ किया, वसुदेव जी ठीक हैं? देव की भाभी ठीक हैं? उग्रसेन जी ठीक हैं? और जो ही कहा, मेरा लाला भी ठीक है, इतना कहती जोर जोर से रो रही है। नारायण, हम सबके मध्य श्री दीपक जुनेजा जी बना दे, आपका हृदय से सम्मान। प्रभु जी जोर जोर से रोए हैं और जब जोर जोर से रुदन किया। जोर जोर से रुदन किया था और मेरा पुत्र ठीक है, ठीक तो है, पर आप बहुत दुखी रहते हैं। क्यों? पत्र लिखते हैं अब आपके लिए रोज, पर आज तो एक बात कही, यूं कह रहे हैं, जिन बाबा की उंगली पकड़ कर मैंने चलना फिरना सीखा, उन्हें बाबा से जा उतार दूंगा, पर अपने भैया बाबा ब्रजवासियों का ऋण नहीं उतार सकता। इतना सुनना था, जब वो इतना ही बात करता ही है, वो मिलने क्यों नहीं आता? सुनो, आज तो उन्होंने भोजन भी नहीं किया, रो रहे थे, भोजन त्याग किया था। क्यों त्यागा था? कहा माखन देख लिया था, कह रहे थे यशोदा जी की याद आ गई। कहा ये बात मुझे तो बता दी, इस बात को यशोदा जी को बताना ना, यदि ये बात यशोदा जी को पता लग गई तो प्राण त्याग देगी अपने। एक बार कन्हैया को किसी ने जानबूझकर कह दिया, तो यशोदा जी का बालक नहीं है, तो गोद लिया है। ठाकुर जी ने उस दिन पूरे दिन भोजन नहीं किया, और जब मैया जब लेने गई भगवान को, पूछा क्या बात है, तू घर गई नहीं है अब तक? ठाकुर जी जोर जोर से रो रहे, मैया ये सब ब्रजवासियों में उनकी सीधी बातें बोले हैं। क्या बोले हैं? यूं कह रहे हैं, तू मैया का अपना जाया ना है, मैया मैं तेरा जाया नहीं हूं। मैया ने कहा, कोई कटार मार कर मेरे बक्ष में और मेरे हृदय को देख ले, उसमें भी मेरे कृष्ण तू ही समाया है, तू मेरे प्राणों से प्यारा है। यदि ब्रह्मा भी आकर ये कह दे कि यशोदा और कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, ऐसा संसार में कोई मान नहीं सकता, कृष्ण किसी ने मिथ्या बात कह दी। उस समय यशोदा जी ने 4 दिनों तक भोजन नहीं किया था, और यदि ये बात पता चल गई कि कृष्ण ने भोजन त्याग किया और माखन देख कर मैया को याद करें, मैया प्राण त्याग देगी। आवाज लगाई, यशोदा यशोदा, यशोदा जी आ गई। और जो ही यशोदा जी आई, तुझे पता ये कौन है? कौन है? तेरे लाला का मित्र है। इतना सुनना था, बहुत दिनों के बाद कोई समाचार आया, जल देने लगी थी, अब खड़े होने का सामर्थ्य नहीं रहा, बैठ गई थी भूमि पर। नंद जी ने कहा, पूछ ले जो पूछना है, फिर तू मुझे कहवे कि मेरा लाला कैसा, मेरा लाला कैसा। मैं बार बार उत्तर नहीं दे सकता, आज पूछ रहे, आज उत्तर देने वाला आ गया। तुमको नीचे करे रो रही थी यशोदा, जो ही मुझे उठाया,
तो क्या देखा लो रही है, क्या बात है? कहा, हे उद्धव, तुम श्याम सुंदर को जाकर ये बात कहना, उसकी माँ ने एक संदेश कही है। क्या कहा माँ? कह देना जाजिना से मथुरा चला गया, बहुत बड़ा राजा बन गया, बड़े बड़े महल दुमहलों में बैठने लगा, सिर पर छत्र चमर डुलने लगे। और सुनो, जब कोई राजा बन जाता है उसे नौकरों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, शायद मुझे गरीब जी को अब माँ कहने में उसे शर्म आने लगी हो, पर कह देना कि मुझे तो चाहे दासी बनाकर नौकरानी समझ कर ही अपने महलों में बुला ले, तो बुला ले। मैं तो उसे कोई ना पैसे की कामना करूंगी ना वस्त्र की कामना करूंगी, केवल एक ही इच्छा है कि केवल श्याम सुंदर का दर्शन करूं। इतना कहकर यशोदा जी तो मूर्छित हो गए, जोर जोर से जब रोई थी। आज तो नंद जी ने कहा, उदो हम पर एक उपकार कर दो, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम आए क्यों? तुमने तो घा भरे कर दिए, जाओ चले जाओ। उद्धव जी यहाँ से कुंजों में गए थे, और जब कुंज में गए थे राधा जी की दशा देखी। लकड़ी जली कोयला भई, और कोयले से भई राधा तो ऐसी जली, अरे वो कोयला उद्धव जी जब गए, उद्धव जी का संवाद प्रारंभ हुआ। उद्धव जी ने कहा, हम पत्र लेकर आए हैं। जो ही पत्र पढ़ा था, पहला शब्द ही पढ़ा था, मैं मथुराधीश तुम्हें प्रणाम करता हूँ, श्री राधिका ने का पत्र बंद कर दे, मैं नहीं सुनना चाहती। कहा क्यों? कहा अब तक तो ये लगता था कि हमारे से ही नाता तोड़ा, पर अब तो श्री वृंदावन से भी नाता तोड़ दिया, अब तो अपने आप को मथुराधीश कहलाने लगे। पहले तो ब्रजराज कहलाते थे, और जब उन्हें हमारे से संबंध रखना ही नहीं तो क्यों तुझे भेज दिया, चला जा। अरे नहीं, तुम तो बहुत बड़ी ज्ञानी हो, सुनो योग धारण करो। गोपिया कहती, उदो मन ना भये दस बीस, एक मन जो गयो श्याम संग, अब को न वराध है। पर उदो सच कह में, उदो कर मन की गति न्यारी,
अपना तत्व दर्शन करा दिया। आठो याम हो दो हमें शाम हूँ सो काम है। तुम्हें लगता होगा शाम सुंदर चले गए, कभी प्रियतम मुझे छोड़ नहीं सकते। तब राधिका ने ध्यान लगाया और जो ही ध्यान लगाया श्री राधा जी के अंक में ही बराबर में बैठे हुए श्याम सुंदर दिखाई दिए। एक एक गोपांगनाई जो कृष्ण रूपा दिख पड़ी, गोदम जी तो चक्कर में पड़ गए। ओदो सोदो है चलो सोने को डुगी और प्रेम बजायो ढोल। कपड़े पट गए, चीटड़े हो गए कपड़न के, दाढ़ी बाल बढ़ गए। जो गोपियों को प्रणाम करना चाहा, मैं तो इनके प्रणाम करने योग्य भी नहीं हूँ, तो उनके जो पैरों की रज थी उद्धव जी ने अपनी देह पर लगाया और आज नंगे पैर गए भगवान के यहाँ। पहले तो भगवान को कहा था तुम बड़े मोही हो, तुम इतना मोह रखते हो, इतने बड़े गुरुजी के चेला होकर इतना मोह उन्हें याद करते हो, और आज भाषा पलट गई। आज प्रेम की कक्षा से होकर आया है ना, आज भगवान को कहता तेरे जितना निर्मोही कोई है ही नहीं। श्याम सुंदर तुम्हें जरा सा भी प्रेम नहीं रहा। भगवान ने कहा उस दिन तो तुम हमें मोही कह रहे, अरे गलती है गई थी उस दिन, हम खुद मोह में थे, पर आज हमें पता चला, आज हम होश में आ गए। आज हम कुछ मांगते हैं आपसे, भगवान ने कहा क्या मांगते हो? अहो विधिना, अपना हाथ फैला लिया, पटका फैला लिया। अहो विधिना अरे जन्म जन्म मोहि वृंदावन दीजो। अहो विधि नाथ से अचला पसार मांगू, जन्म जन्म मोहि वृंदावन बसियो, निकट नंद को घर दीजो। नंद जी के निकट वाला घर देना कि उसकी छत पर खड़े होकर झरोके से और आंगन में नंद के लाला को डोलते हुए देखें, ऐसा हमें स्थान देना। और फिर यदि ये भी ना देना चाहो तो लता पता बना देना, पर बनाना किसका? केवल श्री वृंदावन का। भगवान ने कहा अच्छा यही तुम्हारी इच्छा है? और वास्तव में भगवान ने उनकी यही इच्छा पूर्ण करी। उद्धव जी वृक्ष बन गए थे श्री गोवर्धन जी में आकर। यहाँ से कंस मर गया पत्नियों को, जब बड़ा दुख हुआ तो ये अपने पिता के यहाँ गई। कंस की पत्नियां जरासंध के घर गई तो जरासंध कई बार युद्ध करने के लिए आया है, अब तो कई अक्षौणी सेना को लाकर घेर दी है मथुरा जी। ठाकुर जी ने रातों रात विश्वकर्मा से एक नगरी का निर्माण कराया जिसका नाम द्वारिका हुआ। इसी नगरी में भगवान ने अपने जितने भी प्रियजन सुहृद जन थे सबको रातों रात नहीं गिराजा और भगवान स्वयं आ गए हैं। भगवान जरासंध के दल के मध्य पीठ दिखाकर भाग लिए, नाम पड़ गया रणछोड़। फिर भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए, उस पर्वत पर आग लगाई गई, भगवान फिर बचे। भगवान का पीछा एक असुर ने किया जिनका नाम काल यवन, इनका उद्धार मुचुकुंद जी से कराया गया। भगवान पहुंच गए द्वारिका और भगवान के बड़े भैया का विवाह श्री रेवती जी से हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। तो कहा नागपुर जो आज विख्यात है, नागपुर यही पूर्व समय का विदर्भ देश है, इसी में ही एक कुंडिनपुर नाम का नगर था, इसी में विष्णुक नाम के राजा राज्य करते थे, जिनकी छोटी सी एक कन्या थी जो सदा भगवान की कथा सुनती थी, जिनका नाम रुक्मणी था। नारायण नारद संकादिकों से कथा सुनकर मन में भाव जग गया, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए,
बरियों से गिरधर लाल को जो छुड़लो अमर है जान। इस इच्छा को लेकर बड़ी हुई पर भाई जो इनके हैं रुक्मी, इसने तो अपनी बहन को रिश्ता शिशुपाल से कर दिया। जब भाभी ने बताई बहन तुम्हारा जो रिश्ता शिशुपाल से हो गया, बड़ी दुखी हुई तो सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को आज सिर्फ द्वारिका जी में भेजा गया। जैसे ही द्वारिका में भेजा क्यों ही नाथ भगवान तत्काल द्वारिका से चले हैं और ऐसे विमान में चले जो अत्यंत तीव्रगामी था। आज देवी रुक्मणी अंबिका का पूजन करने जा रही। जय जय गिरी बहरा विशाल भंडारा होगा और आप सभी का इसमें सादर आमंत्रण है, सभी पधारना। देखो 7 दिन की कथा होती है, नहीं होती है, 6 दिन तो चले गए, समझ लो स्टेशन से प्लेटफार्म से 6 डब्बे आगे निकल गए। अब आखिरी वाला डब्बा है, अब जो नहीं चढ़ पाया अब चढ़ जाना, तो कल जरूर सब आ जाना, ठीक है। तो आखिरी वाले में भी चढ़ गए तब भी क्या हो जाएंगे, पार तो ही जाएंगे, तो कल जरूर आना है। कौन कौन सा आएगा कल? आधे हाथ नहीं खड़े, बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कल को आना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कल को जरूर आना भैया, खूब आनंद बनेगा। और आओ भगवान जी का विवाह तुम्हारे घर भी आओ, बूढ़ों में भी जान आ जाती है, तो ताली बजा बजा के लाला को आनंद मनाओ। एक ऐसा बना ये बना आनंद का दुलारा, मैं तो देख
कुछ भी दान आदि करना चाहते हैं वो दान पेटिका में कर देना, और आपका प्रत्येक धन मंदिर जी की सेवा में लगेगा, खूब आनंद होगा। और ताली बजा बजा कर कहो, अरे आओ आओ सपने के सहना शीश सजाओ, आओ आओ इस बनने के सहना शीश बजाओ, अरे आओ आओ इस बनने के सहना शीश बजाओ, आओ आओ इस बनने के सहना शीश बजाओ, अरे सहना शीश बजाओ सिंगार हुआ, जय जय कार हुई, बरात पहुंची।
उतारो री सखी प्रिया प्रीतम की आरती, उतारो री सखी लाला लाली की आरती, उतारो री सखी लाला लाली की आरती, उतारो सखी मन बारो री सखी, उतारो सखी मन बारो री सखी या प्रीतम की आरती, उतारो री सखी प्रिया प्रीतम की आरती, उतारो री सखी सिंहासन नंद जो के लाला, अनक 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 सिंहासन जो के संग में शोभित देखो विषभानी लली, संग में शोभित देखो विषभानी लली की आरती, उतारोरी अली दुल्हारी सखी सब मंगल गावे, अस्ते सखी सब मंगल गावे, अस्ते सखी सब मंगल गावे, अस्ते सखी सब मंगल गावे, चिरे जीवे तू चिरे जीवे प्यारे प्यारी की आरती, तारोरी अली प्यारे प्यारी की आरती, तारोरी अली आत्मतेष्टितम तोयम धामि तुम्हारा इत्तु परियंगलगनम मनुष्याणां सर्वभाव सो अति सभी को राधा रानी का अटल सुहाग, मेरे शाम के सिर पर ताज रहे मेरे स्वामी।